कैफ हालिक, आप सब लोगों को प्यार भरा सलाम। मैं हूं हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। लाइव ट्रांसमिशन आप देखते हैं ऑलमोस्ट हर रोज ही। कभी कभी जिंदगी या सांसें वफा नहीं कर रही होती तो हम बीच में से गायब हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों की ये जो आमद है हमारे लिए बाइस से मुसर्रत और इफ्तखार। यही होता है ना शादी कार्ड्स पे लिखा हुआ। शादी कार्ड्स पे लिखा हुआ यही होता है कि आपकी आमद जो हमारे लिए मुसर्रत और इफ्तखार का बाइस है। और कहीं कहीं हम लोग अंदर से खुश होते हैं, लेकिन कहीं कहीं अंदर से जल भुन रहे होते हैं। कुछ लोगों के चेहरों पे उन लोगों की जलन या तपिश साफ आया होती है जिनको हम देख सकते हैं, लेकिन 100% यकीन नहीं होता कि यार ये जो हमें तकलीफ नजर आ रही है ये है या इनका चेहरा ही ऐसा। कुछ लोग कहते हैं यार तुम्हारा मुंह तो बुरा है, बात तो अच्छी कर लिया करो। इसका मतलब कि मुंह बुरा नहीं होता है, मुंह बुरा बनाते हैं जिसके बाद हम कोई भी कलाम करते हैं वो अच्छा या बुरा हो जाता है। हम जिस जिंदगी की बात कर रहे हैं वो जिंदगी हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। चाहे पैगंबर हैं, इमाम हैं, इमामजादे हैं, या हमारे दुनिया में आम जितने भी लोग हैं, बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम हो गई। सिकंदर जैसे लोग भी मरते वक्त ये वसीयत करते हैं कि मैंने आधी दुनिया पे हुकूमत कर ली, फतुहात के झंडे गाड़ दिए, लेकिन मैं जब मर के जाऊं तो मेरे शहर से जनाजा जब गुजारना तो मेरे हाथ कफन से बाहर होने चाहिए ताकि लोग सिंबॉलिकली इस चीज को लें कि इसके हाथ तो बिल्कुल खाली हैं, ये तो जा रहा है ऐसे ही। तो फिर हम लोग क्या लेकर जाएंगे? लेकर कुछ भी नहीं जाता कोई भी। बड़े बड़े लोग आते हैं, किससे करते हैं, चले जाते हैं। हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी जिंदगी को जीने का ढंग बता रहे होते हैं। यानी अगर किसी ने बचपन में ये सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है तो जरूरी नहीं कि जवानी चढ़ते हुए उसकी ये ख्वाहिश उसके वजूद में रहे कि उसको डॉक्टर बनना। हो सकता है कि वक्त के थपेड़े उसको धीरे धीरे कुछ और बना दे। होता है ना बचपन में आपके पापा टीचर हैं तो आपको लगेगा आपको भी टीचर बनना, लेकिन थोड़ा सा संभलते हैं तो आपको लगता है यार मेरे दोस्त के पापा वकील हैं तो हमारे बाबा जैसा, चलो ठीक है वो नहीं बनते, हम उनके बाबा जैसा बन जाते हैं। तो फिर आप वकील बन जाते हैं, फिर थोड़े से और बड़े होते हैं तो फिर डॉक्टर, फिर एक्टर, फिर सिंगर, फिर पॉलिटिशियन, फिर आप खूब से खूब तर की तलाश में रहते हो। और एक वक्त ऐसा आता है कि आप किसी के बाबा जैसे नहीं होते, आपने अपनी जिंदगी को एक बाबा जैसा बना दिया होता है। सो आप फिर या तो इंस्पिरेशन हो जाते हैं अपनी औलादों की, या फिर आपकी एक्सपायरी डेट करीब होती है तो आपको लगता है कि बहुत कुछ गंवा दिया। हम जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, जिस हाल में भी हैं, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन हिम्मत नहीं होती। हम अपने अंदर से ये जो ताकतें हैं ना, हम यार किस तरह से हम मजबूत हो जाएं, हम किस तरह से जरा स्ट्रांग हो जाएं, इसके लिए हमें थोड़ा मोटिवेट करने वाले इर्द गिर्द के लोग चाहिए होते हैं, और कभी कभी हमें डैमेज करने वाले भी लोग चाहिए होते हैं। अगर आप फोटोग्राफर बनना चाहते हो, कोई वीडियो बनाना चाहते हो, कोई डायरेक्टर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, तो आपके जो खानदान के थोड़े से बेस्ट, उस वक्त के सो कॉल बेस्ट चचा मामा ताया पुपो या कोई भी, वो आपको हल्का सा तोड़ने की कोशिश करते हैं। अरे यार क्या कर रहा है, तू ये नहीं कर सकता है, जो छोड़ वही कर जो तेरा बाप कर रहा था, तू लोहार का बेटा है तो लोहार ही बन। अरे क्यों? अब उन्होंने आपके दिमाग में ये एक बात डाली है कि तुम लोहार के बेटे हो तो लोहार ही बनना, तुम सुनार बनने की कोशिश मत करना। वो कौन होते हैं आपका फैसला करने वाले? कई बार हम ये सोचते हैं, अंदर ही अंदर गुस्सा होता है, और हम उनको जवाब देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की एनर्जी, एफर्ट, तालीम सब एक जगह फोकस कर देते हैं कि मैंने सुनार बन के दिखाना, यानी कुछ भी बनना चाहो। सिर्फ एक शख्स को जवाब देने के लिए आप पूरी जिंदगी खेल जाओगे? आपको क्या बनना था, आपको क्या बनना था ये तो सोचा ही नहीं। दुनियावी उलूम हासिल करने के लिए आपकी इस बुद्धि में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको मेमोरी सेव करने की मुख्तलिफ स्टेज होती है। देखो फुकर में जब आप जाते हो, आप विलायत की मंजिलें चल रहे होते हो, तो उसमें भी ब्रेन गेम होती है। आपके दिमाग में जो कुछ आया है उसको याद रखना, चाहे वो वजायफ हैं, चाहे वो मराकबे हैं, चाहे वो किसी से गुफ्तगू सुनी है, उसको याद रखना बड़ा जरूरी होता है।
मेमोरी को वीक जहां कर दिया वहां आपकी हो गई हार। कई बार हमें ये सबूत मिल रहा होता है, चलते चलते हम भूल जाते और कोई याद कराने के लिए हमें आता। वाज सुनते हो आप, कुर्बानी में क्या हुआ, बड़ी ईद पे क्या हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल के साथ क्या किया, सब कुछ आप देख रहे होते हो, करबला का वाक्य। लेकिन हर साल बताना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल पे वो जाके लगेगी बात और आप वही कर दोगे। तो इर्द गिर्द के लोगों की बातों को सुनना भी जरूरी है। देखो, अगर लोग कहते हैं दर्द अच्छी चीज नहीं है, हमें दर्द देते हैं कुछ लोग, अगर दर्द नहीं होगा तो मतलब आप बीमार हो, फीलिंग्स नहीं होंगी तो फीलिंग लेस हो, आपको नजला जुकाम नहीं हो रहा तो आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी। तो हर चीज के पीछे अल्लाह ताला ने खूबसूरती रखी है। कभी कभी दर्द बड़ा जरूरी होता है, कभी कभी खुशी जरूरी नहीं होती है, खुशी देना जरूरी हो जाती है। ये जो घराना है ना मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जिसपे दुरूद व सलाम भेजते हो हर रोज, इस घराने की खूबी यह है कि वो खुद बादशाही के गुर जानते थे लेकिन वो करना नहीं चाहते थे। उनको मालूम है कि दुनिया की जो दौलत है ये हमारे काम के लिए नहीं है। जनाब फिजा बैठी हुई सोना बना रही है, शहजादी थी जाहिर है अपने मुल्क की, और वो बता रही हैं जनाब फातिमा को कि इस तरह ये चीज भी डालें तो ऐसे सोना बन जाता है, लेकिन वो कच्चा काम कर रही थी। तो मौला अली का गुजर हुआ वहीं से, अंदर से गुजरते गुजरते कहा, फिजा इसमें ये चीजें भी डाल दो, यानी इंग्रेडिएंट्स जो बता रहे हैं ये डाल दो, तो ये 24 कैरेट यानी 24 कैरेट का ये सोना बन जाएगा, और ये कह के चले गए। वो जो इल्म का दर है, शहर नहीं है, शहर के पास क्या क्या राज होंगे कि हीरा किस तरह से बनाया जाता है बिना कोयले की कान में जाए। पर दौलत आपके रहन सहन के लिए तो जरूरी है, लेकिन इसलिए जरूरी नहीं है कि आप दौलत के अंबार लगाने के बाद फिरौनियत को अपने चेहरे पर डाल दो। आज स्टेटस पूरी दुनिया में देखा जा रहा होता है, कह रहे यार उसके पास गाड़ी है, छोटी है बड़ी है, उसका काम क्या है, उसके पास फोन कौन सा है, iPhone 12 Pro Max है या फिर पुराना 8610 नोकिया का है। भाई उसी हिसाब से आपको वेलकम किया जाता है, सब महफिलों में ऐसा ही है। महंगे कपड़े हैं या हल्के कपड़े हैं, आपका रंग कैसा है, मेकअप का कौन सा ब्रांड आप इस्तेमाल करते हो, अरे जूते कहां के पहने, वॉच कौन सी है, अरे वॉच योर सेल्फ फर्स्ट यार। दूसरों के लिए हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं, उनको i+ या iMac पसंद है तो हम वो खरीद ले, क्यों, आपको क्या पसंद है। स्टेटस सिंबल मत बनो, अपना एक ब्रांड बनाओ, अपना ब्रांड बनाओ कि लोग कहें यार वो ये यूज करता हम भी ये करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सच्चे दिल से तगोदो करनी। पहले ये होता था कि हम किसी जमाने में बड़ा वो बेगी शर्ट्स चल पड़ी थी मर्दों के लिए, मतलब जैसे नॉर्मल शर्ट्स होती है बेगी शर्ट्स, जब आप यंग होते हैं तो आपको लगता है ये फैशन बड़ा चल पड़ा है, और 90s में फिर 2000 में भी बेगी था, कभी फ्लैपर चल रहे हैं कभी क्या चल रहे हैं। तो मैं बहुत फैशन को फॉलो करता था बहुत ज्यादा, क्योंकि मीडिया में था, हर वो चीज जो पेरिस में पहले आती थी, न्यूयॉर्क जो रैंप पे मेल मॉडल्स पहनते थे, वो चीज कहीं ना कहीं से अगर बाय करने की इस्तेताद नहीं है तो अपने टेलर को वही तस्वीर दिखा के कहते थे ये वाला ड्रेस चाहिए, अरे भाई ये तो मतलब ये कैसा ड्रेस है, तो फैशन नहीं, क्योंकि टेलर जो था वो किसी देहात से आया हुआ आदमी था, उसके लिए शलवार कमीज सब कुछ थी, उसका दीन मजहब इस्लाम सब कुछ। लेकिन नहीं, हमें वो करना था जो हमने देखा, और जब पहन के जाते थे उस वक्त लोगों को समझ नहीं आता था। आज से 22, 23, 24, 25 साल पहले चले जाओ, मेरी जो पिक्चर्स हैं उसमें रिप जीन्स लोग तो एक जगह से फाड़ते, मेरी तो पूरी जींस ही फटी हुई होती थी, और लोग कहते थे अरे कुत्ते पै गए जी तुहाडे पिछे थे, एकड़े कपड़े एकड़े फैशन। आज हर लड़की हर लड़का वो ही कर रहा है क्योंकि ये फैशन पुराना है, लेकिन अब हो रहा। तो मैं बहुत फैशन किया करता था। अभी जब ये बहुत ज्यादा दौर चल रहा है तो मुझे ये याद है कि एक दफा एक बस में हम लोग सफर कर रहे हैं, एक शो के लिए जा रहे हैं, स्टेज शो था। बफा एक जगह है पाकिस्तान में, एक छोटा सा टाउन है, उसका नाम है बफा, ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना उनको पता होगा शायद कि इर्द गिर्द ये सुबह सरहद वाली साइड पे है। बफा का खोया बड़ा मशहूर है। तो हम जिस वक्त जाने लगे शो के लिए तो मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा मेरे पास दो ऑफर्स हैं, मुझे फला जगह यानी इस्लामाबाद में एक शो है, नेफ्टैक सिनेमा होता था किसी जमाने में, अब नहीं है वो, ब्लू एरिया में, वहां पे मेरा एक बहुत बड़ा शो था एक जिसको मैं होस्ट कर रहा था, और दूसरी तरफ एक बफा का छोटा सा टाउन जहां पे किसी स्कूल का हॉल लेके शो कर रहे हैं। उन्होंने मिनते की थी कि यार वहां चलो, मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं जाना,
मतलब मेरे लिए वहां पैसे भी ज्यादा हैं, वहां मतलब काम भी बड़ा है, और जहां तुम जा रहे हो। उसने मुझे कहा जी वहां पे आप, मैंने कहा बफा का तो नाम ही नहीं सुना। उसने कहा सर कैसी बात कर रहे हैं, वहां का खोया बड़ा मशहूर है। मैंने कहा खोया? ओ मुझे खाने पीने की चीजें पसंद थी, लेकिन खोया सुनते ही थोड़ा खोया खोया चांद टाइप की फीलिंग्स आए। मैंने कहा ओके गुड, खोया है तो खोए के लिए मैंने पूरा शो डन कर दिया। मैंने कहा खोया दिलवाओगे मुझे? उसने कहा सर आप चले तो सही, आप ही के तो ना पोस्टर वोस्टर बने, बफा में लगा दिए गए। अब जब मैं वहां पहुंचा, बस में हम जा रहे हैं, और बिल्कुल बफा से करीब एक जगह थी जहां पे एक ढाबा टाइप की जगह थी। उन्होंने कहा कि यार यहां से पहले कड़क चाय पीते हैं फिर हम जाएंगे, क्योंकि हमने एक घर में रिहाइश का इंतजाम किया हुआ है आपके लिए, बाकी जो भी मेल फीमेल आर्टिस्ट हैं अलग अलग रह रहे हैं। ओके डन हो गया। तो वहां खोए वाली जगह पे पहुंचने से बिल्कुल करीब ही एक ढाबा था जहां पे बैठे सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मैंने भी चाय ली और मैं पी रहा हूं। वो जो चाय वाला था चाचा, अक्सर आपने देखा उनकी दाढ़ी परना यहां पे होता है, और आस्तीन उस चाचा की खुली हुई थी जिसको वो ऊपर भी नहीं ओढ़ रहा था और मतलब बांधी हुई भी नहीं थी। मुझे थोड़ी इरिटेशन हो रही है, मतलब अगर आपने पहनावा रखा है तो कोई चीज हटके तो बड़ा अजीब लग रहा है, यानी कि ये वाला बटन आप यहां बांध दो और फिर टाई को भी खोल दो तो अजीब लगेगा। अरे यार बटन तो अपनी जगह पे होना चाहिए, ऐसा था। उसकी दोनों आस्तीनें खुली थी चाचा की, और चाचा चाय को ऐसे ऐसे करके बना रहे थे, और मैं सिर्फ आस्तीनें देख रहा हूं कि यार ये कहीं चाय में ना चली जाए, और मैं अपनी चाय पी रहा हूं बाकी काम भी हो रहा है। चाचा ने सिर्फ एक नजर मेरी तरफ डाली और फिर चाय बनाना शुरू कर दिया। ठीक है जी, चाचा महबूब नाम है उनका, अगर कोई बफा जाए उससे पहले, वो एक जिस वक्त की बात कर रहे हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता करे, अब है या नहीं है, लेकिन वो चाय का जहां महबूब चाचा का जो ढाबा था वहां पे। तो चाय खत्म हुई तो चाचा ने मुझे ऐसे करके कहा कि चाय और? तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि थकावट थी। वो बाकी सबको सिंपल चाय मिल रही थी, लेकिन मुझे चाय के ऊपर थोड़ी सी मलाई और एक पिरच थी जिसके अंदर थोड़ा सा खोया पड़ा हुआ था। तो मुझे कहा ये ले लो, और वहां पे एक स्टूल था, बाहर सब चाय पाई पे बैठे। मुझे कहा यहां बैठ जाइए मोहतरम। मैंने कहा अच्छा जी, आपकी तो उर्दू बड़ी साफ है, आप कहां से हैं? कहने लगे मैं कराची से हूं। मैंने कहा कराची से यहां क्या कर रहे हो? कहा कि आप इस्लामाबाद से यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो ड्रामा करने के लिए आया हूं। कह रहे नहीं सच्ची? मैंने कहा हाँ। कह रहे पर मैं दुनिया में ड्रामा करने के लिए नहीं आया, मैं हकीकत करने के लिए आया। मैंने कहा ये क्या बात हुई आप, मतलब मैं समझा नहीं। मुझे कहने लगे नाजमाबाद का नाम सुना है कराची? मैंने कहा हाँ, मेरे रिलेटिव भी वहां रहते हैं। कह रहे मैं वहां से था, मेरे ऊपर कोई झूठा केस बन गया पुलिस का, तो मैं जान बचाते बचाते अपने बीवी बच्चों को लेके यहां आया। वहां मेरी टायरों की दुकान थी, नए टायर बेचता था, बड़ा अच्छा कारोबार था, लेकिन मेरा पार्टनर झूठा निकला, उसने ये किया वो किया, मैं यहां आ गया। यहां आने के बाद अब इतने पैसे नहीं है, बस ये चाय का ढाबा है, और महबूब चचा का चाय का ढाबा बड़ा मशहूर है। तो मैंने कहा आप यार इंटरेस्टिंग आदमी है, लेकिन आपने ये जो जुमला कहा है कि मैं ड्रामा करने के लिए नहीं है, हकीकत करने आया, मैं तो नकली वाला ड्रामा करने आया हूं। कह रहे वैसे भी आप नकली तो हो, ये फैशनेबल कपड़े जो पहने हुए ये आपकी शनाख्त थोड़ी है। मैंने बेगी शर्ट्स पहनी थी, जहां से ये बात मैं रिलेट करने लगा हूं आपसे। तो मैंने कहा चाचा मतलब ये कपड़े तो आजकल का फैशन है। कह रहे कसम खा के बताओ तुम्हारा फेवरेट ड्रेस क्या है? मैंने कहा जींस टी शर्ट। तो कह रहे वो क्यों नहीं पहनी? ये इसलिए पहनी है कि तुम मुनफरिद नजर आओ, क्योंकि ये चल रहा, ये क्यों करते हो तुम, हटके क्यों नहीं चलते हो? मैंने कहा लेकिन बस चलता है ना। कहा नहीं चलता है। तुमने अब यहां से गेम चेंज हुई, तुमने किसी और शहर में कोई कमिटमेंट की और वो कैंसिल करके यहां आए सिर्फ इसलिए कि ये जो पिरच में पड़ा हुआ है तुम्हें ये मिल सके, यानी खोया। तब मेरे दो कान तो ये थे, मेरा पूरा का पूरा मॉल खड़ा हो गया। कह रहे भाई साहब मैं खोई के लिए आया हूं, आपको कैसे पता? तो अब ये बात मैं बोलने लगा। मैंने कहा चाचा मैं कह रहे हैं मैं ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता चला, मुझे तो उलझन ये हो रही थी कि तुम मेरी खुली हुई आस्तीनों को देख के बार बार ये सोचे जा रहे थे कि ये आस्तीनें बंद क्यों नहीं करता, अगर मैं बंद कर लेता तो तुम उठ के मेरे पास कैसे आते, तुम्हारे दिल की बात मैं भांपता कैसे? मैंने कहा गुरुदेव ये हो नहीं सकता, मतलब हम ये समझते हैं कि लोगों को चेहरा शनास लोग मिलते रहते हैं, पर आप मन को कैसे शनासाई रखने वाले इंसान बने हो? उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं यहां आया तो मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मुझे एक बुजुर्ग मिले जिन्होंने कहा कि अल्लाह की राह पे चल पड़ तो जो बहुत मिलेगा और सुकून भी मिलेगा, और जब तक मैं टायरों का काम करता था मेरे पास बहुत कुछ था लेकिन सुकून कहीं नहीं था।
तो मैं अल्लाह को कहता था मेरे बच्चों की रोजी छिन गई, मतलब इसमें क्या भलाई हो सकती है, जब मुझे कोई कहता था और बुजुर्ग ने भी कहा इसी में तेरी भलाई है। लेकिन आज उस बुजुर्ग के कहने के मुताबिक मैंने मराकबे किए, मैंने चले करना शुरू कर दिए और आज मैं इस जगह पे हूं कि मुझे सिर्फ सुकून है। मैं तेरे जैसे बहुत सारे लोगों की भविष्यवाणी यानी फ्यूचर आपका आपके बारे में सब कुछ जानता है लेकिन बताता नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम वो हो ही नहीं जो तुम दिख रहे हो। मैंने कहा ये कैसे कह सकता है, मैं तो एक्टिंग के लिए पैदा हुआ, मैं बचपन से यही काम कर रहा हूं। कहा तेरा ये काम है, तुझे ये करना है क्योंकि यहीं से तेरी सीढ़ियां चढ़ती हुई वहां तक जाएंगी जहां तूने पहुंचना। मैंने कहां तक पहुंचना, कह रहे ये भी मैंने ही बताना है, तूने खुद कुछ नहीं करना। मैंने कहा करूं क्या, कह रहे आइंदा से खोए के लिए कमिटमेंट मत करना, पाए के लिए करना। मैंने कहा खोया, कह रहे जो खो जाता है ना वो सिर्फ इश्के इलाही में खोए तो अच्छा है, तुम दुनियावी खोए के लिए आए हो। तुम सोचो कि अगर उसको पाया तो तुमने क्या कुछ पाया। मैंने कहा उसको पाना बड़ा मुश्किल है, कह रहे बकवास कर रहा है। 28 चिल्ले, 7 मराकबे, 41 मतलब जो वजायफ की एक लड़ी होती है जो इज़्ज़त लेते हैं, ये सब कुछ तो आप कर चुके हो। और वो कैलकुलेशन मेरे पास भी नहीं थी जो उन्होंने बताए, उसके बावजूद तुम कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं पाया, सब कुछ तो पा लिया। तुम्हारे जैसे, तुम्हारी उम्र, तुम्हारे जैसे ढील ढाल वाले बंदे की औकात इतनी नहीं है। मैंने कहा ये थोड़े तल्ख अल्फाज है, कह रहे सिर्फ जगाने के लिए बेटा। कभी कभी माएं कहती है ना तेरा बेड़ा गरक हो जाए, उठ जा सूरज सर पे, तो वो बेड़ा गरक उसको नहीं कह रही, वो सिर्फ अपने अंदर से एक खोखला सा लफ्ज बोल रही है। तो जो होश नहीं था, तेरे मकसद नहीं है। मैंने कहा फिर मेरा क्या मकसद है। मुझे देख के कहते हैं तुझे वापस जाना है आज के आज। मैंने कहा नहीं, लेकिन मेरी कमिटमेंट है। कोई कमिटमेंट नहीं होगी तो आज ही वापस जाएगा। मैंने कहा यहां आने का मकसद क्या था, कह रहे हैं ये मत सोच लेना कि मैं था, मकसद कुछ और है। मुख्तसर बात ये कि डिस्कशन हुई, हम लोग वहां से जिस वक्त बफा गए, बफा पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं, अरे यार खोए की दुकान किधर, तो पुराने जमाने की बहुत बहुत मुझे अच्छे लगते हैं वो पुराने जमाने के मिट्टी के बनी हुई दुकानें, शॉप्स, लकड़ी जिसकी दुकान भी शटर भी लोहे का नहीं होता, लकड़ी के दरवाजे को बड़ी सी कुंडी के साथ पुराना ताला घुमाने वाली चाबी वाला लगाते, मुझे फैसिनेट करती है ऐसी चीजें। तो उस दुकान पे गई, ये सबसे मशहूर है सर। तो वहां से हमने सबसे पहले खोया लिया और इतने में एक बंदा भागता हुआ आया कि सर जहां पे शो था, जो ऑर्गेनाइजर थे हमारे उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो अब ये शो नहीं हो सकेगा, तो अब आपने अगर रात रुकना है तो रुकिए, वापस जाना है तो जाइए। मैंने कहा ओके, मैंने रुकूंगा क्योंकि खोया तो मैंने ले लिया भैया, बाकी जो कमिटमेंट है वो जब होगी नेक्स्ट। अब मुझे इस्लामाबाद पहुंचा दो क्योंकि तुम्हारा काम तो नहीं हुआ लेकिन मैं वहां का काम कर लूं। अब मैं वहां से निकला, जिस वक्त अब निकल रहे हैं रस्ते में एक खातून जो अपने छोटे से एक बच्चे को हाथ में पकड़ा हुआ और एक गठली सी थी जिसमें कपड़े थे वो पकड़ी हुई और एक जो बच्ची थी उसको ऐसे करके कमर पे ऐसे अक्सर उठाने के लिए आपने एक टांग इधर इधर वाय बना के आप उठा लेते हैं, ऐसे उठाया हुआ और अंधेरी सी सड़क पे खड़ी, मैं, मेरा ड्राइवर जो मुझे ड्रॉप करने के लिए इस्लामाबाद के लिए निकला था, और वो बंदा जब गुजर गए तो मैंने कहा यार ये इतने वीराने में आए होंगे जी पार्थ। मैंने कहा रोक यार, इसको भी रोड तो एक ही है, हैबिटाबाद वाली जो रोड आप देखते हो वहां से, मैंने कहा रोड तो एक ही है यार, बिठा लो, कहां तक जाना। नहीं नहीं साहब ये खतरा, हो डाकू ना हो। मैं कह रोक यार डाकू, उसने गाड़ी रोकी, मैं भागता हुआ पीछे आया। तो मैंने कहा आपने कहां जाना है, तो उसने कहा कि मुझे पीर विदाई जाना, पीर विदाई रावलपिंडी में एक बसों का अड्डा है जहां से शायद आगे जाना होगा। मैंने कहा हम तो वहीं जा रहे हैं, तो अगर आपको जाना है तो आइए बैठ जाइए। तो कहा नहीं भाई नहीं आप जाइए, हमें आगे नहीं जाना है, बस हमें बस मिल जाएगी। मैंने कहा इस वक्त आधी रात को बस कहां से मिलेगी बहन, आ जाओ, हम अच्छे लोग हैं, हम शरीफ लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने मुझे कहा अपनी शराफत आप अपने पास रखें मेरे भाई, हमें आपके साथ नहीं जाना। मैंने कहा ओके ठीक है ना जाइए। तो मैं आके बैठ गया। मैंने कहा ज्यादा कहा तो कहेगी क्यों भाई, बैठे तो अब चल पड़े। अब जब हम कोई 5 किलोमीटर आगे गए तो वहां पे एक बड़ा सा बोड़ का दरख्त था जो बहुत झुका हुआ था, ये खातून वहां खड़ी अपने बच्चे और अपनी बच्ची के साथ सिर्फ गर्दन को ऐसे ऐसे किए जा रही जैसे आप अल्लाह का विर्द करते हैं, लेकिन ये नफी में सर को हिला रही है।
मेरे से पहले मेरे ड्राइवर की चीख निकली और उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया और कहा अल्लाह और अल्लाह ला इलाहा शुरू कर दिया। उसने कहा ओ वेदर भाई, ये तो वही औरत है, वो ये पिछल पैरी है चुड़े। मैंने उसको कहा रोक तो गाड़ी। उसने कहा जी मैंने नहीं रोकना। काफी आगे जाके रोका। अब मिरर में दिख रहे हैं, मिरर में तो दिख रही है, अगर कोई ऐसी चीज है तो ये फिर शीशे में नहीं दिखेगी। ये अगर वही है तो यहां कैसे आई है। मैंने कहा एक मिनट के लिए रुकना भैया, इस मम्मे को हल तो कर दें। उठ के भागा मैं वहां पीछे की तरफ और मैंने जाके सिर्फ उस खातून को देखा और मैंने कहा आप कह रही है, ये मत पूछ लेना कि वहां से यहां तक कैसे आए, जैसे तुम आए वैसे ही आए हम, अब जाओ यहां से। मैंने कहा देखो मेरा दोस्त कह रहा है कि आप चुड़ैल हो, तो कह रही है मान लो मैं चुड़ैल हूं, फिर चुड़ैल को गाड़ी में बिठाने की जरूरत क्या है बेटा, आप जाओ। मैंने कहा आपके साथ छोटा बच्चा है और ये बच्ची है, आधी रात को अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है मत जाओ, लेकिन आप आई कैसे हो मुझे सिर्फ इतना बता दो। कह रही है ये सारे राज अगर तुम मुझसे पूछोगे तो फिर तुम किस लिए इस दुनिया में आए। और वो इलाकाई जैसे टूटी बूटी उर्दू होती है, एक्सेंट वैसा था। उसने कहा वो बाबा जी ने दस्या नहीं तो अनुपा जी, वो बाबा जी वो महबूब चचा की बात कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि तुम इस काम से आए हो, कि हो सकता है तुम्हारा कोई और काम हो। मैंने कहा मेरा क्या काम हो गया यार। अब थोड़ा सा खौफ इसलिए कि वो जो बात कर रही है उसके लिप सिंक नहीं हो रहे। आप समझते हो लिप सिंक क्या होता है? ओके समझाता हूं। ये पूरी को पूरी हमारे इस प्रोग्राम की जो इब्तदाइया है ये इसी बेस के ऊपर है, इसलिए थोड़ा सा हौसला रखिएगा। आगे चल के आपको ये हफ्ता कैसा गुजरेगा ये भी बताते हैं, लेकिन ये हमारे प्रोग्राम का एक स्टाइल है, फॉर्मेट है, जिसमें हम इब्तदाइया बताते हैं। जिनको देखना है देखें, जिनको नहीं देखना वो जाके सो सकते हैं। कल ये वीडियो यहां पे होगी तो आप लोग अपने अपने हिस्से का देख के फिर आराम करना, ठीक है? डोंट वेस्ट योर टाइम। तो लिप सिंक क्या होती है? जब आप डबिंग करते हो, फिल्म की डबिंग होती है, तमिल जबान की फिल्म है उसमें हिंदी की डबिंग है, पंजाबी जबान की फिल्म है उसमें उर्दू की डबिंग है, तो आपने होंठों से होंठों की जुम्बिश को मिलाना होता है। लाइक कार्टून जब मैं डब करता था तो हमें बड़ी मुश्किल होती थी, बाद में आदत ऐसी हो गई कि वो हम देख के टिक 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 उर्दू में ट्रांसलेट करके करते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलत डबिंग आर्टिस्ट को देख लो, जिसने तुर्की ड्रामे देख रहे हो ना, अर्तुगुल वगैरह जो भी आते हैं उस पे आप देखो तो लगता है यही उर्दू बोल रहा है, लेकिन कभी कभी गंदे आर्टिस्ट भी होते हैं जिसमें उनका मुंह अलग हिल रहा होता है और अल्फाज साथ नहीं दे रहे होते। ऐसी ही मिस लिप सिंक थी, वो जो बोल रही है अल्फाज कुछ और निकल रहे हैं लेकिन होठों की जुम्बिश कुछ और हो रही है। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि अगर आप किसी को देख रहे हो और जो बच्चा है, जो छोटा बेबी है, मतलब जिसका हाथ पकड़ा हुआ है, ये जो आंखें होती है ना ऐसे, मतलब ये मेरी पल के ऊपर हैं, आंखें ऐसी हैं, इनको आप थोड़ा सा उल्टा कर दो, यानी ये भमे यही रहें और मेरी आंखें उल्टी हो जाएं और मैं पल को नीचे की तरफ, ये बड़े वाला हिस्सा जो है पोटा जो होता है ये नीचे की तरफ है और छोटे वाली जो साइड है जिसको हम नहीं चिपकाते वो ऊपर है, उस बच्चे की आंखें उल्टी थी। तब मुझे लगा कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, लिप सिंक भी नहीं हो रहा, बच्चे की आंखों को देखा ही नहीं, जैसे उसने आंखें बंद की हो लेकिन जब खोली तो वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही, सब उल्टा था और मैं उल्टे पांव आप भागा। दर ना दिली पड़ा, आपने कहा भागो भाई साहब, अब और कोई भी नहीं है। लेकिन जब आप देखते हो तो आपको पता चल जाता है, हीट फील करते हो, हीट भी नहीं फील हो रही थी। मैं गाड़ी में बैठा, मैंने उसको कहा चलो। उसने पहले से रखा हुआ था और उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। अब हम लोग काफी दूर तक आ गए। यहां पे इस्लामाबाद में जो लोग आते हैं, आपको अगर पता है आपारा एक जगह है जहां पे हजरत बरी इमाम सरकार जो है उनके वालिद साहब की भी कब्र है, जहां पे पहला सलाम लोग करते हैं आपारा में, सबको पता है बड़े पुराने दरख्त हैं और वो दरख्त वो हैं जहां पे जिन भूत बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पे आए, हमने सलाम किया, मैंने कहा यहां रुकना यार हमारी जान बच गई। मतलब क्या है, वहां जाके हमने सलाम किया। वह एक वो जो बैठे होते हैं चर्च पीरे होते हैं बुर्री ऐसे ऐसे करने वालों का एक ग्रुप था, लेकिन एक जो साहब थे जिनके बाल काफी मैले कुचैले, वो पानी के एक घड़े के पास बैठे पानी पी रहे थे। तो जब हम दुआ करके निकले तो मुझे ऐसे किया कि आओ पानी पी लो, तो वो आए जो मेरे साथ ड्राइवर था, वो भी डरते उसकी आवाज बंद है, पानी दिया। वो पानी देते हुए उसने कहा ऐ पी ले तेरी आवाज खुल जाएगी, हालांकि वो बोला नहीं, मतलब उनको नहीं पता कि आवाज कैसी इसकी खराब है। तो उसने पानी पिया ऐसे, तो किस तरह पता है मेरी आवाज, और उसकी आवाज बिल्कुल ठीक हो गई थी।
बस यही काफी था हमारे लिए। मुझे कहा पानी पियो, और जो ही मैं पानी पीने लगा तो मुझे कहा वापस दे दे, अभी मेरे होंठों तक है, प्यास तो है। मुझे कह रहा गिलास दे दे, बस तेरा कम हो गया। मुझे कहा प्यास लग रही है, मैंने अपने होंठों पे जुबान फेरी, मैंने कहा नहीं। कह रहा पी लेता तो पानी, मैंने कहा पर किस तरह, मुझे तो प्यास लगी थी, आपने इशारा किया। कह रहे उसी तरह पुत्र, जिस तरह उस औरत नु छड़ गया है ना तू, उसी तरह। मैंने कहा किस तरह, किस औरत को? और वो बंदा वहां से निकला गाड़ी पे, उसने कहा जी अब आप यहां तक की जिम्मेदारी थी, मैं जा रहा हूं, और वो निकल गया मुझे छोड़ के। भाई ये कोई नॉर्मल नहीं हो रहा हमारी जिंदगियों में, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ लेकिन उसके लिए नॉर्मल नहीं था। वो निकला, मैंने कहा मेरी बात तो सुन ले कि आप आ रहा, मैं बहुत गाड़ियां बाड़ियां टैक्सियां चलती हैं, मेरा अपना शहर था। मैंने कहा ओके ठीक है निकल जाओ। निकला तो मैं उनके साथ बैठा, मैंने कहा आज जो मेरे साथ हुआ है मैं किसको बताऊं, मतलब आपको मैं नहीं जानता हूं, आप मेरा थोड़ा तरीकत से ताल्लुक है लेकिन बड़ा थोड़ा सा। उसने कहा थोड़ा नहीं है बेटे, ऐसे नहीं होता कि आप अगर डॉक्टर हो तो किसी और डॉक्टर को ये बताओगे कि मैंने भी MBBS किया और थोड़ी सी देर में तारुफ हो जाए। अगर तुम डॉक्टर हो तो सामने वाले से भी ये पूछो वो क्या है, मतलब किसी ड्राइवर के सामने आप टेक्निकली बात कर रहे हो मेडिकल की तो अच्छा नहीं लगेगा। खैर उसने मुझे बताया कि जो औरत थी वो नॉर्मल नहीं थी, वो वहीं पर रहती है, रात के टाइम पे बहुत सारे लोगों को वहां पे मरते हुए देखा है। अब जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं, एबिटाबाद हजारा बफा, ये वो इलाके हैं जहां पे लाशें बहुत मिलती थी किसी दौर में। क्या हुआ, लोग कहते थे भूत प्रीत है, ये वही खातून है। तुझे इसलिए नहीं हुआ कि तू बहुत कुछ जो पढ़ चुका है और उसको ये डर था कि शायद तू उसको ना मार दे, इसलिए तेरी गाड़ी में नहीं बैठी, वरना वो बैठ भी जाती। अब ये वो बात है जो मैं बता नहीं रहा, वो मुझे बता रहे। मैंने कहा ये सब कुछ आपको कैसे पता, मतलब ये कह रहे तेरी खराबी ये है बेटा, तू सवाल बहुत करता है, हर उस फकीर से आके ये पूछता है कि बादशाह कैसे बनना है, गुर सिखा दो, ये गुर वो नहीं है, तेरा मकसद हयात ये है ही नहीं। कहा कपड़े छोड़ दे, दूसरों को पहनना जो देखता है वो छोड़ दे, तू सिर्फ अपने मन की सुन। ये दूसरा बंदा था जिसने मुझे कहा था कि कॉपी नहीं करना है किसी को, जो तुझे अच्छा लगता है जो ठीक है। उस दिन के बाद खैर मैंने सिर्फ अपनी ही सुनी, मुझे सलवार कमीज पहननी है कभी जो मैं नहीं पहनता हूं नॉर्मली, वही पहनता हूं, जो मुझे कलर्स पसंद है मैं सिर्फ वही पहनता हूं, मैं सुनता हूं कि आज मुझे क्या चाहिए। इतनी सी बात थी, मैंने कहा पर मुझे मिला क्या? उसने कहा था, कह रहे यही मिला सबक कि अब 13 दिन ये पढ़ाई है पुत्र, तू ये कर ले फिर देख तुझे क्या मिलेगा। 13 दिन की उन्होंने मुझे एक पढ़ाई दी जो मैंने एक दो और लोगों से कंफर्म किया कि गलत तो नहीं है, मतलब है तो आयते ही हैं लेकिन ये पढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा ये किसने दे दिए तुम्हें और दे दिए तो प्लीज किसी से डिस्कस मत करो, बुजुर्गों से। 13 दिन के बाद जो ख्वाब में आपको आना शुरू होता है, लाइक स्मेल एंड साउंड्स, उसकी वेरिएशन आपको ज्यादा आना शुरू हो जाती है, हाउ टू कंट्रोल पैरानॉर्मल थिंग्स, जिन विन जितने भी चीजें होती हैं उनको आप कैसे कंट्रोल करते हो, इसके पार्ट होते हैं। आपको पता है ना कुरियाब एक बड़ा सितारा है, ये वो सितारा है जो फकीर लोग जिसको मानते हैं कि यहां से जो भी मैसेज आता है मैसेज अल्लाह की तरफ से आता है, लेकिन इसको सैटेलाइट कहा जाता है कुरियाब को। अल्लाह की तरफ से कोई मैसेज वहां आता है, किसी फकीर की तरफ से वहां से उन फुकरा को आता है जो दुनिया में किसी ना किसी हवाले से काम कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी बोर्ड के दरख्त तले बैठे हैं या वो किसी टेलीविजन चैनल पर बैठे हैं या वो किसी बड़े इदारे में मालिक की हैसियत से हैं या वो लकड़ियां तोड़ने वाले कोई लकड़हारे। ये मैसेजेस पास करने वाले बहुत सारे लोग हैं और इसी की बेस पे ये कायनात चल रही है, और ये वो मैसेंजर हैं जिनको डाकिया भी कहा जाता है, और ये वो डाकिये हैं जो एक खबर दूसरी जगह तक पहुंचाएंगे बिना सोचे कि मेरा काम तो यहां तक था पर इस खबर का क्या था ये मत सोचना, क्योंकि ये लिंकअप है इमाम जमाना के साथ, वहां से जुड़ी हुई बहुत सारी हकीकतें जिस वक्त ये राज इलाही खुलेगा तो समझ आ जाएगी। अब आप लोग मुझसे जो सवाल करते हो ना कि हमारी जिंदगी में ये क्यों जरूरी, हम क्यों पैदा हुए, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम पे दुख क्यों आ रहे हैं, तो आप उस दुख को सिर्फ उस सिचुएशन के लिए मत रखा करो। थोड़ा हार्ड है आपका समझना लेकिन ये बहुत आसान है कि जब रब आपको दे रहा है ना कोई तकलीफ, वो खुशी से नहीं है, वो आपको पकाने के लिए और उस मंजिल पे पहुंचाने के लिए थोड़े से विजन को ब्रॉड करना है। ये इतना सा ही दिमाग है सबका लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है इसको सोचो। आपने देखा हवा में बैठे हुए लोग भी इबादतें करते हैं, चाइना में जाओ हिंदुस्तान में जाओ, उसमें कोई शब्दाबाजी नहीं होती है। आपने अगर यह सुना है कि आपके बुजुर्ग, आज भी बड़ी दरगाहें हैं जो कहते हैं हमारे बुजुर्ग पानी पे मुसल्ला डाल के नमाज पढ़ते थे, तो वो पढ़ते थे
अगर कुरान ये कह रहा है कि दो पानी है, समंदर है, जिसमें असा फेंक के चीर दिया गया, खुश्क बना दिया गया, यहां का पानी यहां है, यहां का यहां है, मूसा की कौम गुजर जाए और बाकी जब आई उनको गर्क कर दिया गया, तो इसका मतलब है कोई भी चीज मैजिक नहीं है, मौजजा है। मौजजात जिंदगी में होते हैं। वो शेर जो कहता है मेरे मौला मोहम्मद हैं और उनके मौला उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर सकते हैं, मुमकिन है। हम कहते हैं गई जवानी फिर नहीं आंदी, लख खुराका खाइए, लेकिन गई जवानी आती है। अगर ऐसा नहीं है तो जुलैखा को यूसुफ के इश्क में पागल ना करता मेरा रब। और कुरान में कह रहा है यह सबसे फेवरेट मेरा किस्सा, यानी लव स्टोरी अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। लव इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। अल्लाह जिस वक्त जुलैखा की दुआ सुनता है उसका पूरा वजूद झुर्रियों से भर चुका है। वो अल्लाह 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 करने के काबिल नहीं थी, वो सिर्फ यूसुफ 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 करने के काबिल थी, लेकिन सजदे में गई। वो लम्हा लम्हा ए ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन में अल्लाह एक ठंडी से सांस ली उसने और कहा कि परवरदिगार तू नहीं तो दिया है इश्क, गर्क हो गई है बुढ़िया, जवानी दे दे ताकि एक बार तो मैं ये कह सकूं कि मेरा फेलियर नहीं था। परवरदिगार ने कहा जुलैखा सर उठा और देख खुद को। उसने सर उठाया, हसीन तरीन जवानी लौट आई थी। ये मौजा है, दुनिया में नहीं होता, वो चाहे तो नहीं दे सकता क्या। फिर यूसुफ पीछे पीछे थे और जुलैखा कहती थी बस अब नहीं चाहिए तो यूसुफ, वो जो है ना वो कुछ और है। हम शार्क मछली को देखते हैं, कहते हैं खा गई खा गई खा गई। यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक पेट में है, क्या खाया होगा, वो चलती होगी तो वो जिंदा कैसे रहते होंगे, रहे जिंदा। ये मौजा है क्या, नहीं होता है क्या, एक आसा जमीन पे फेंकने से जादूगरों के सामरियों के सारे सांपों को खाया जा सकता है, खाया गया है। कैसा हो सकता है कि अल्लाह का एक बंदा जो बिस्तर पे सोया है और उसे चंद सेकंड के लिए पूरी कायनात के राजों से आश्कार किया, सातों आसमान की सैर कराई, दीदारे इलाही हुआ और वापस बिस्तर पे भेजा, कायनात के टाइम को फ्रीज कर दिया गया, क्या ये मौजा है, नहीं हो सकता। हो सकता है, हम तो पैगंबरों की मिसाल दे रहे हैं, जो पैगंबरों के दर के सग होते हैं ना, उनकी जूतियों के नालायन की इश्क में जो पागल होते हैं कि हम बस इस जूती को चूम लें, हमारा जन्नत जहन्नुम से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए नहीं चूम रहे कि हमें जन्नत मिलेगी, चूम इसलिए रहे कि इश्क ही बहुत है आपसे, आले रसूल से मोहम्मद व आले मोहम्मद से इश्क करने के बदले में जन्नत सबसे मामूली चीज है। जन्नत सबसे मामूली चीज है, अरे जन्नत क्या है यार, वो तो हर मां के कदमों तले। मेरा रब कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि जन्नत मां के कदमों तले। सो इतनी बड़ी चीज जिसके लिए पूरी दुनिया भागे जा रही है, मरे जा रही है, वो एक औरत के कदमों तले लगा दी, जन्नत का क्या फायदा। हमें वो जो इश्क है ना अहले बैत का, उससे बड़े राज उससे बड़े इल्म कायनात में कुछ भी नहीं। उस बतूल के बच्चों के लिए जो आंसू बहाते हो ना, वो उस जन्नत से ज्यादा कीमती है। मान लो उस रसूल के नवासे के लिए जब गिरिया उजारी करते हो ना, तो वो जन्नत की बशारत नहीं है, जन्नत में अफजल मकाम आपके लिए हाथ जोड़े इंतजार करता है कि ये हुब में इतना आगे जा चुके हैं कि ये यहां बैठ के मांग नहीं रहे। कहते हैं कि जब आप रो रहे हो रसूल के नवासों के इश्क में, उनकी शहादत में, उस वक्त जो दुआ मांगी जाए वो 100% कबूल होती है। कई शहजादे ऐसे हैं जो उस वक्त दुआ ही नहीं मांगते, वो कहते हैं ना 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 ना, वी आर नॉट ग्रीडी पर्संस, हमें नहीं चाहिए। ये आंसू बह रहे हैं बहने दो, इश्क में बहने वाला आंसू जाया नहीं होता है। इश्क इलाही, दुनिया फानी नहीं है। लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी आपको सब कुछ मिले। मुझे एक सवाल बड़ा अजीब लगा जिसने मुझे बड़ा
तकलीफ भी दिया, उसको हम किसी और प्रोग्राम में रखेंगे। लेकिन एक और उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल था कि क्या दुनिया में हम जीना छोड़ दें। वो भाई का नाम मुझे अभी याद नहीं है, नीचे कमेंट्स में मैं कहता हूं लिखा करो, क्या दुनिया में जीना ही छोड़ दें हम, कि मतलब सब कुछ छोड़ दें। किसने कहा? बस जिंदगी को समझ लोगे तो फिर ये अल्फाज नहीं कहोगे कि जीना छोड़ दे। जीना ही तो नहीं छोड़ना है, वरना बुजुर्ग जो चिल्ले कशी पहाड़ों पर कर रहे हैं, दरियाओं के किनारों पर या जंगलों में कर रहे हैं, उन्हें यह ना कहा जाता आप जाओ दुनिया में चले जाओ, दुनिया में रहना है। दुनिया से किनारा कशी करके इबादतें करने वाले तो बड़े लोग मिल जाएंगे, इस भीड़ में रहते हुए उसके इश्क में गिरफ्तार होना यह बड़ा मुश्किल है। कहीं ना कहीं से मैसेजेस आते हैं आपके थ्रू, मुझे, मेरे थ्रू आपको, कभी कभी चिड़ियाएं भी मैसेज देती हैं, कभी कभी गली में गुजरने वाले जानवर भी पैगाम रसानी करते हैं। सोचो तो सही, सब मिलेगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरे इन बिखरे वो लफ्जों के साथ हमने कर दिया है अपनी शब का आगाज। बहुत कुछ था कहने के लिए, बहुत कुछ था, लेकिन हमने यहीं पे इसको रोक दिया। देखो बात यह है कि हम अगर इश्क इलाही की बात कर रहे हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि हर बार कुछ ना कुछ मिल जाए, हर बार जरूरी नहीं है कि इबादतों का सिला वैसा ही दिया जाए। सिला मांगने वाले मेरे ख्याल से बेकार लोग होते हैं, वो तो आम लोगों के लिए, तुम ये करो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। भरोसा बड़ी जरूरी है, ठीक है। खुश रहिए। आज हम वीकली हॉरोस्कोप पे बात कर रहे हैं, जैसे आपने देख लिया ये यहां पे लिखा है यू वीकली हॉरोस्कोप, और क्या होने वाला है इस हफ्ते में इसके बारे में जरूर बताएंगे। प्लीज सुपर चैट करना बड़ा जरूरी है, जो अब तक बिल्कुल भी नहीं हुई। सुपर चैट इसलिए जरूरी है कि हमारा ये सारा धन जो भी आप देते हो, सदका, खैरात, ज़कात, टोकन ऑफ लव हमारे शो में, जिसकी वजह से ये शो किया जाता है, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, सुपर चैट। जब आप ये शो करते हो, आप भेजते हो कुछ चीज, तो वो उन लोगों के लिए अनाज की सूरत में जाता है जो बेकसूर लाचार है लेकिन सफेद पोश है, वो भीख नहीं मांगते, तो अल्लाह को कहते हैं अपने हाथ बना के भेज दें। तो आप जैसे प्यारे जब अपने बलाएं उतार के दे रहे होते हैं तो हम अनाज की सूरत में देते हैं। सो $100 पर फैमिली पर मंथ के हिसाब से खर्चा होता है, जिसमें दाल, चावल, चीनी, घी वगैरह सब कुछ होता है। तो प्लीज अगर हो सके तो यहाँ सुपर चैट जरूर करो। मेंबरशिप ले सकते हो $25, $50, $100 की, काफी सारे लोगों ने लिया है, उनके नाम आप देखोगे यहाँ ग्रीन कलर के आ रहे होंगे, उनके आगे एक सोने की अशरफी भी है जिस पर डॉलर का निशान बना होता है, और वो एक महीने के लिए हमारे साथ होते हैं। उसमें एक सवाल, चार सवाल और काफी सारे सवालों की आपको इजाजत होती है, तो वो आप देख लेते हैं मैसेजेस के जरिए। और मीटिंग करने के लिए स्क्रीन पे यहां पे चल रहा है theraja.heather@hotmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पे आप ईमेल करो, फोन पे मीटिंग होगी, आप पे करेंगे, दैट्स इट। और पूरी दुनिया का जो निजाम चेंज हो रहा है उसके बारे में हम आज रात में बात करेंगे सिमीज किचन में। सिमी का जो शो होता है वो नॉर्मली हर रात होता है, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक वो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सिमी ज्ञानी और यूट्यूब पे सिमीज किचन के नाम से एक शो है जो सिमी करती हैं, लेकिन आज के शो में मैं और सिमी मलके आपके लिए काफी कुछ लेकर आए हैं जिसपे डिस्कशन भी करेंगे। आज के हमारे शो में आप लोगों के लिए काफी बेहतरी है। स्टार के बारे में सुन तो लोगे आप, लेकिन ये याद रखना कि यहां अब आपके अमल करने का टाइम शुरू हुआ। हम एक एक करके सब स्टार्स का बताते हैं ताकि टाइम आपका भी वेस्ट ना हो और मेरा भी ना हो, लेकिन प्लीज जो अभी आए हैं वो लाइक को जरूर दबा दें, थम्स अप हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बड़ा जरूरी है। इससे ना तो अकाउंट में पैसे आते हैं, ना ही इससे मेरा कोई बड़ा मकाम हो जाता है या रुतबा बढ़ जाता है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग जब प्यार करते हो तो हमें लगता है कि हम मीर जाफरों में प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हम उन प्यारों के साथ हैं जो हलाली खून वाले हैं, जिनके माँ बाप बड़े अजीम हैं, आपका ब्लड बोलता है। जिनको ये शो नहीं पसंद वो छोड़ के जा सकते हैं, हमारे लिए इतना ही है। और प्लीज ओवर क्लेवर बनने की कोशिश ना करें। यहां मैं देख रहा हूं मेरी पूरी टीम जो है हमारा खान गैंग, वो आप लोगों को टाइम आउट कर रही है। आप कोई ऐसा सवाल मत लिखो, कोई ऐसी गलत बात मत लिखो कि जिसके बिना पे चलो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, वो जरूर देख रहा है, क्योंकि ये एक मजलिस है, एक महफिल है, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र की महफिल है। तो यहां मैं जूते उतार के शो कर रहा होता हूं, मैंने पांव में जूते नहीं पहने होते, मैं बावजू होके बैठ के प्रोग्राम कर रहा होता हूं, क्योंकि ये इबादत है मेरी। दिस इज नॉट अ गेम ऑफ रेटिंग। मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, मेरे को 2.5, 3, 4, 5 मिलियंस नहीं है, और हो भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना ही फर्क पड़ता है कि इस वक्त 313
अगर कहीं ना कहीं बैठे सुन रहे हैं जो मुझे ये ऐसे करके सलाम करना है और कह रहे हैं ओके है यार तो काफी है, तो आप तो माशाल्लाह कितने ज्यादा थम्स अप देख चुके हो, तो हमारे लिए काफी है। ठीक है, तो बार बार ये कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई ऐसी वैसी बात नहीं लिखो जिससे किसी की दिल आजारी हो, बाकी सब माफ हो जाएगा, ये माफ नहीं होगा। तो जब मैं हमेशा कहता हूं अल्लाह जी तेरे हवाले, वो लोग बहुत सारे देखो यहां मारामारी चल रही चैनल्स की, यार ये नहीं वो नहीं वो नहीं, हमारी गेम हम उसमें हिस्सेदार ही नहीं है यार, हमारा चैनल इस चक्कर में ही नहीं है। मैं कह रहा हूं सब अपने सब्सक्रिप्शन जो है वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। आपके लिए यही काफी है कि जो हफ्ता मैंने देना है, जो सदकात, जो कलर्स, जो वजायफ मैंने देने हैं, वो मेरी रब की तरफ से मैं दूंगा, भले ही एक भी सब्सक्राइब करने वाला ना बाकी बचे। मेरी सांसें इन चीजों की मोहताज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद के टुकड़ों पे पला हूं आज तक, आगे भी पल जाऊंगा, एक वक्त की रोटी बहुत होती है। सलामत रहिए, यहां रेसिज्म नहीं होता हमारे इस प्रोग्राम में। आप हिंदुस्तान से हो, आप पाकिस्तान से हो, इंग्लिस्तान से हो, अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया में कहीं से भी हो, वेलकम ऑल। मेरा दिल हमेशा खुला रहता है, इसका एक ही हैंडल है और वो बाहर से खुलता है, कोई भी आके खोले वेलकम कहते हैं उनको। सलामत रहिए, अल्लाह ताला आपको कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके इस वक्त जो जो मेरी आवाज सुन रहे और जो नहीं सुन रहे, परवरदिगार उनके मन के अरमान पूरे हो जाए। परवरदिगार इस वक्त जितने लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा मेरे मौला। परवरदिगार तुझे वास्ता है बीबी फातिमतुज़्ज़हरा की पाक चादर का, जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना अता कर दे। जो बेटों के तलबगार है उन्हें चांद जैसे बेटे, और जो बेटियों के ख्वाहिशमंद है उन्हें हूर जैसी बेटियां अता कर अच्छे नसीबों के साथ। परवरदिगार जो वालदैन या वो लोग जो अपने रिश्तों की वजह से परेशान है उनकी परेशानियां दूर फरमा, नेक फरिश्ता सिफ्त इंसान उनकी जिंदगी में ले आ। परवरदिगार जो रिश्ते टूट रहे हैं, तबाही के दहाने पे खड़े हैं, मोहब्बतें नफरतों में बदल चुकी हैं, तलाक हो रही है, उन सबको बचा ले, उनकी रगों में मोहब्बतें भर दे परवरदिगार लहू की जगह। जितने भी बेरोजगार हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके उनको रिज़्क़े हलाल अता फरमा। हम सबके दस्तरखां हमेशा आने जाने वालों के लिए सजे रहे परवरदिगार। जो काम कारोबार नौकरी या जितना भी बिजनेस कर रहे हैं उनको तरक्की कामरानी अता कर दे परवरदिगार। हम जिस शहर जिस घर जिस नगर में रहते हैं उसे अमन का गहवारा बना दे। हमारी जान माल जिंदगी तेरे हवाले परवरदिगार। बीमार करबला के सदके जिसको भी छोटी या बड़ी बीमारी में जो भी गिरफ्तार है उससे शिफाए कामला वाजल अता कर दे मेरे मौला। जो हमें छोड़ के जा चुके हैं उन्हें जवार रहमत में जगह दे। जो हमारे साथ हैं इनको हमारे सरों पर कायम दायम रख। जो तालीम हासिल कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं या तालीम दोबारा से हासिल करना चाहते हैं, जितने भी लोग नाकाम हुए परवरदिगार कामयाबियां उनका मुकद्दर बना दे। उन सबके दिमागों को वुस्सत अता कर उनको मंजिलों तक पहुंचा दे मेरे मौला। जो मुसाफिर कहीं आया जा रहे हैं उन्हें खैर आफियत से उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। जो किराए के मकानों में रहते उन्हें छोटा सही पर अपना खुशियों भरा गहवारा अता कर दे। जो वीजा या इमिग्रेशन की वजह से परेशान है मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके अपनी एम्बेसी से उनके लिए ठप्पे लगा दे और उनकी मुश्किलें आसान हो जाए। जो मुसाफिर कहीं आज जा रहे हैं उन्हें खैर आफियत से उनकी मंजिल तक पहुंचा दे। जो मकरूज है उनके कर्ज गैब से अदा कर दे मेरे मौला। जनाब जैनब की उस पाक चादर के वास्ते माओं बहनों बेटियों की इज्जतों की रदाओं की हिफाजत फरमा परवरदिगार। जितने परेशान हाल लोग हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। असीरान करबला के वास्ते जो मेरे बहन भाई जेलों में असीरी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो गुमशुदा हैं, जो लापता हैं, उनको उनके अजीजों अकारिब से मिला दे मेरे मौला। हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा परवरदिगार। हमें राह रास्त पे लिया बिना किसी नुकसान के परवरदिगार। जो तेरी राह में आना चाहते हैं उस इश्क में बढ़ना चाहते हैं उनकी उंगली थाम ले, हम तेरे सिपाही है परवरदिगार। अपनी जात के सिवा हमें किसी का मोहताज न करना। हमें अपना फकीर अपना गदागर अपना भिखारी बना के रखना मेरे मौला। और जितने भी लोग इस वक्त कायनात में हैं जो तेरे चाहने वाले हैं, तेरे हबीब और उसकी आल के चाहने वाले हैं, उनके सरों को किसी और के सामने झुकने न देना। ये जबी सिर्फ तेरे सामने ही सजदे में रहे परवरदिगार। सिवाय गमे हुसैन के हमें कोई गम न दे। इस दुनिया में जो किसी से सच्चा प्यार इश्क और मोहब्बत करता उन सबको एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार का इश्क और मोहब्बत का। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया आप लोगों की इस मोहब्बत के लिए, थैंक यू वेरी मच। जो भी सुपर चैट कर रहे हैं, जितना भी प्यार का इजहार कर रहे हैं, उन लोगों का बहुत शुक्रिया। अभी हम जाने वाले हैं आप लोगों के लिए। ये वीक कैसा गुजरने वाला है, सबसे पहले हमारे जो गोल्डन स्टार है उसका नाम है एरीज। एरीज वालों के लिए हमारा सबसे पहला जो पैगाम है वो सुनने वाला है कि उनकी जिंदगी कैसी गुजरने वाली है। देखो एरीज, एक बात का तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा,
सबसे पहले आप लोगों ने जो जिंदगी में बड़े बड़े फैसले किए हैं, अब उनकी तकमील का वक्त शुरू हो चुका है। यानी नवंबर का ये हफ्ता, नवंबर का ये हफ्ता जो आपकी पूरी सूरत हाल को तब्दील कर रहा है, ये आपकी लाइफ में पहली मरतबा आया। यानी एरीज वालों के लिए तीन अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते मिलेंगी आपको, जिसमें से रिलेशनशिप को दोबारा से रिफिल करने का मौका इससे पहले आपको नहीं मिला। बहुत बुरे हालात भी हैं, तो एक मौका आपको किस्मत और दे रही है कि आप गुफ्तगुशुनीद के जरिए बातचीत करो आप उनसे। अगर पीछा कोई छुड़ा रहा है तो उसकी एक अलग कहानी है, उसमें क्या कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि समझौता हो सकता है तो यही वो हफ्ता है जिसमें आप दोनों की जिंदगी दोबारा से बहाल हो सकती है। लेकिन ये याद रखना कि इस हफ्ते के बाद कुछ और तब्दीलियां आएंगी जिसमें न्यू रिलेशनशिप पॉपअप हो रहे हैं, यानी इस चैप्टर को क्लोज कर दोगे आप, करोगे या फरीके दोम जो दूसरे लोग हैं वो कर देंगे। इसलिए अब आपको बड़ा सोच समझ के फैसला करना। लव परसेंटेज 28.7 पे रुकी है, 28.8% पे रुकी है, जो बहुत कम है। अब इस वीक में ये 59% पे जाएगी, जिसका मतलब है कि मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपको कुछ बड़े फैसले करने पड़ सकते हैं, और ये फैसले जो हैं आपकी जिंदगी भर के फैसले होंगे। यानी अब आपने जो कमिटमेंट की है ये तोड़ तक चलेगी। इसी हिसाब से अगर आप ये देख रहे हैं जिनकी औलादे नहीं है, हमारे बहन भाई जो कंसीव नहीं कर, जिन्होंने किया, मंडे, वेडनेसडे एंड संडे, ये तीन दिन है जिसमें आप अगर ट्राई करोगे तो अल्लाह ताला औलादे नरीना अता करेगा। क्योंकि मिरवाल ऑलवेज हम इस पर डिस्कस करते हैं, जो औलादे नरीना के लिए सितारे होते हैं और आप कंसीव बड़ी आसानी से कर सकते हो। बहुत सारे लोग, जरूरी नहीं कि आपके ख्यालात से कहेगा हाँ जी हम इसके साथ हैं, कायल हो जाए आपके कहे हुए अल्फाज की, हाँ में हाँ मिलाए, लेकिन ये हफ्ता वो है कि जिसमें आपके एनिमीज भी आपका नगमा सराई करना शुरू हो जाएंगे, आपके जो कुलीग्स हैं वो आपके मामलात काफी हद तक बेहतर करना शुरू हो जाएंगे। अपग्रेड वर्जन है, फाइनेंस के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो 12.7% ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए पैसा। नई अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही है इसमें आप अपने काम की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। अगर आप लोग ये चाहते हो कि थोड़ा सा जी हम नया काम शुरू करें, यानी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, तो ये गोल्डन टाइम है। जमीन जायदाद खरीदो फरोख्त वालों के लिए बहुत औसम है। दफ्तरी मामलात, अफसरान आपको फायदा पहुंचाएंगे, आप डायरेक्टली अपने बॉस से बात कर सकते हो। बीच में जो पीपी पर्सन होते हैं, पर्सन टू पर्सन पीपी होता है मिडल मैन, उसको आप हटा के अपनी जिंदगी को ज्यादा मुतासर मत करो यार। बहुत ज्यादा दूसरों पर भरोसा कर लिया है, या ऑफिस में भी और आम जिंदगी में भी, जिन पर ट्रस्ट कर रहे हो वही वॉट लगाए जा रहे हैं आपकी। तो प्लीज इन चीजों को अब अपने हाथ में लेने की कोशिश करो। नो एंग्री बर्ड, बहुत ज्यादा गुस्सा आपको खास तौर पे थर्सडे एंड सैटरडे को दिखाई दे रहा है। 3 बजे दोपहर को शुरू होगा, शाम 7:30 बजे तक रहेगा, तो कंट्रोल करना। किसी भी महफिल में जा सकते हो, आना जाना हो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप लोगों की जिंदगी बड़ी बेहतर होने वाली है। ये याद रखना कि जितने भी मुतालबात आपने किए हुए हैं किस्मत से या लोगों से, उनमें से 2 मुतालबात अब करीब करीब हैं, यानी 2 खुशियां आपको मिलने वाली हैं। वीजा इमिग्रेशन के लिए थोड़ा सा मामला डिले में जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पोस्टपोन हो गया। कुछ रुकावटें जिंदगी में किस्मत की तरफ से आती हैं। बहुत सारे लोगों को पता होता है कि इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स या मुल्कों जो भी चल रहे होते हैं, लेकिन ये याद रखना कि ये कुछ दिनों का डिले है। यानी आपका जो भी एक हदफ है वो प्रोग्राम्स आपके चेंज हो सकते हैं टेक्निकल वजूहात की बिना पे। सामाजिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप शोहरत वोहरत के किसी काम में हो, मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स या किसी भी ऐसी जगह की गेम का हिस्सा हो, तो आप नए कॉन्ट्रैक्ट में भी जाते जा रहे हो और 71.3% तक आपकी इज्जत में भी इजाफा होगा, यानी फेम में भी इजाफा होगा। कुछ दुश्मन आपको जंग करने से रोक रहे हैं, जाहिर है दुश्मन ये कहेंगे कि जंग ना करो, लेकिन आपकी कामयाबी को एक अजीब सा दीमक, यानी जिसको आप वुड हो, मैजिक, कोई भी जादू वादू कहो, वो करने के लिए बिल्कुल आपके लिए अलर्ट है। क्योंकि इस हफ्ते में 3 तारीखें ऐसी हैं जिसमें बहुत आसानी से आप पे जादू वुड हो सकता है। जितनी भी आपने हिसारबंदी कराई हो वो अटैक करेगा, तो उसका अटैक आपके सर दर्द, अगर आपने हिसार करवाया वो तब भी सर दर्द, दर्द शकीका पे या गले की खराबी वराबी पे आ जाएगा। और अगर आपको पेट में पेन होता है, मतलब बड़ी आंत छोटी आंत में बहुत शदीद किस्म की पेन होता है और वो मेडिकली भी सब सही नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अटैक है और वो 7 आवर्स तक है। ये जो मैं तस्बीहां आपको अभी बताऊंगा ये जरूर पढ़नी है आपने, पानी भी दम करके पीनी है। 7 मिनट में आप ठीक हो जाओगे, 7 आवर्स तक आपको तकलीफ में रहना नहीं पड़ेगा। कुछ कारोबारी मामलात
बेहतर हो रहे हैं पार्टनरशिप के साथ। आप लोग जो भी काम करना चाहो बड़ा सीक्रेटली करना पड़ेगा, दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाना। टर्म्स एंड कंडीशन तय करने के बाद, चाहे वो कितना ही करीबी साथी, बहन भाई या दोस्त क्यों ना हो, आपको ये करना पड़ेगा। बैंक से कर्जा लेने के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है, और अदालतों में चलने वाले मुकदमों का फैसला थोड़ा सा डिले हो जाएगा। कोई नए लोग आपकी जिंदगी में आके दस्तक देने वाले हैं, ये पार्टनरशिप के हवाले से भी है, ये दोस्तों के हवाले से भी है और महबूब के हवाले से भी है। कोई भी बड़ा खतरा अगर स्टॉक मार्केट में हो, गोल्ड इन्वेस्टमेंट करके कुछ लेना चाहते हो, तो कोई भी बड़ा खतरा मोल मत लेना। 52% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना। आप लोग इस हफ्ते बुरी नजर से महफूज रहो बस किसी भी तरीके, क्योंकि किसी भी महफिल में अगर आप जा रहे हो तो आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। एरीज वालों, आप लोग स्क्रीन पर देखो, आप लोगों को इस हफ्ते जो पढ़ना है वो है या सुबूरो या बाकी हो। सदके में आप आटा दे सकते हो, या फिर दाल मूंग दे सकते हो अनकुक्ड हालत में, या फिर राइस दे सकते हो चावल पके हुए या कच्ची सूरत में, या फिर सिक्का राजुल वक्त जिस मुल्क में रहते हो कैश दे सकते हो। कलर आपने पहनना है पिंक, ब्राउन एंड ब्लैक, ये तीन कलर हैं। इरीज वालों के यकीनन आपने स्क्रीनशॉट बना लिया होगा, और आप लोगों के लिए दिल से निकलती है दुआएं। टॉरस हमारा दूसरा टारगेट है सितारा, यानी कि टॉरस वाले मतलब यार बहुत मजेदार लोग होते हैं, लेकिन इनकी जिंदगियों को हेल बनाया हुआ है। जब से ये 2020 शुरू हुआ है इर्द गिर्द के लोगों ने बहुत वॉट लगाई हुई है, थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन चलो टॉरस वालों, ये हफ्ता जो आपका शुरू होने वाला है ये आपके अंदर खुद एतमादी को बढ़ाएगा, यानी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका 80% तक जाया हो चुका, अभी सिर्फ 20% पे चल रहे हो मालूम है ना आपको, अब ये दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाएगा। एक हफ्ते में 63.3% तक आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी है, ये एक जगह पे आके रुकेगी, क्योंकि प्लैनेट एक्स और जो मिल्की वे के दो बड़े सितारे हैं जिसको दरियाली और अनवाल बोलते हैं, इनकी पावर आपके ऊपर बड़ी तेजी से होगी। यानी बॉडी के जिन हिस्सों में पेन था वो भी खत्म हो जाएगा, जो छोटी छोटी बीमारियां थी वो भी कम हो जाएंगी, एक्टिव मोड पे आ जाओगे आप में थोड़ा आराम करने की वो चीजें ज्यादा आएंगी कि यार सुस्ती वो नहीं करना, वरना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी भूल बैठोगे, छोड़ बैठोगे। आने वाले दिनों में आपके लिए आपके करियर के हवाले से कुछ भारी जिम्मेदारियां डाली जाएंगी जिसका आपको अभी से इल्म होना चाहिए, यानी आपका पे स्केल भी बढ़ सकता है। जॉब को अगर आप चाहते हो कि छोड़ के किसी और जगह नौकरी करनी है तो ये टाइम गोल्डन है, आप गुफ्तगुनीत कर सकते हो, आपके लिए बड़ा मुबारक रहेगा। मकान की बुनियाद रखना या इलाज मालजा ऑपरेशन वगैरह कराना, इसके लिए भी बड़ा मुबारक टाइम है, पूरे हफ्ते में कभी भी कर सकते हो, बस अना को जरा काबू में रखना है आपको, थोड़ी सी ईगो कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आप उनके सामने मतलब बिल्कुल बुद्धू बन जाओ, लल्लू बन जाओ, तो बन जाओ, आपका काम इसी तरह से निकलेगा। हर किसी का मुकाबला आप कर नहीं सकते हो क्योंकि आप अंदर से बड़े निथरे हुए हो, तथीरी प्रोसेस आपने कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन लोगों के अंदर के मैलेपन का सुराग नहीं मिल सकता है। किस्मत इस वक्त मेहरबान है, यानी आप वीजा इमिग्रेशन के लिए अगर अप्लाई करो तो आपके लिए बड़ी आसानियां हो जाएंगी, कहीं से जो लेटर रुका हुआ है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ हरीफ आपको बहुत डैमेज पहुंचाने के लिए, डैमेज करने के लिए नए नए आइडियाज लेकर आएंगे, आपको बेवकूफ बनाने के लिए, हो सकता है कि आप ही के करीबी रिश्तों से आपको चोट पहुंचाई जाए। आप किसी भी महफिल में जा रहे हो, आ जा रहे हो, या किसी पे ट्रस्ट किया हुआ है जो आपके बाकी दोस्तों को भी जानते हैं, हल्का अहबाब को भी जानते हैं, तो प्लीज बी केयरफुल कि आपके ऊपर कोई ऐसा वोडो मैजिक जादू अटैक ना हो जाए, कोई अननोन पर्सन के हाथ से जबरदस्त चीज भी हो तो नहीं खानी। स्पेशली जो सी फूड होता है लाइक फिश, प्रॉन्स अगर आपको पसंद है, तो इन दिनों में यानी इस वीक में 3 दिन है जिसमें आपको नहीं खाना है, मतलब आप अपने पैसों से खा सकते हो लेकिन अगर कोई लेकर आ रहा है तो नहीं खा सकते हो। नंबर वन है ट्यूसडे 7:30 से 11:30 रात तक, फिर दूसरा दिन है थर्सडे, और फिर चौथा दिन है फ्राइडे, यानी ये 3 दिन है ऊपर नीचे, टाइमिंग सबकी एक ही है। मशावरत बड़ी जरूरी है लेकिन फाइनल फैसला करना आप ही को पड़ेगा, आप दूसरों से मशवरा ले सकते हो, आप की खुशामद विशामद भी लोग करेंगे, क्योंकि अब आपको जो एक रुतबा मिलने वाला है मेरे रब की तरफ से, वो आपकी एनर्जी भी बढ़ाएगा, आपकी शोहरत को भी बढ़ा देगा, और आपका जो एतमाद को धचका लगा हुआ था वो सारी चीजें भी वापस आना शुरू हो जाएंगी। फाइनेंस बिजनेस के हवाले से
या फिर जितनी भी चीजें हैं जो आपने कारोबार या जॉब के हवाले से किया है, ये 48% से जंप करके 73.1% पे चला जाएगा। 73% ही आप इसको समझ लो, किस्मत अब आपको आजमाएगी कुछ नए लोगों को आपकी जिंदगी में प्लांट करके, भेज के। आपके ताल्लुकात बड़े वक्ती होंगे, जो भी कोई इस वक्त आ रहा है या आ रही है, मर्द और जन जो भी है, ये बड़े मुख्तसर टाइम के लिए होंगे, लेकिन इसका कनेक्शन आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ जरूर है। सितारे मैच कर लेना कोई भी काम या रिश्ता तय करते हुए, अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये बिल्कुल ठीक है, हम ये कर सकते हैं, तो फिर डू इट। लेकिन हर किसी के साथ सितारा मैच नहीं होगा, ये करियर का मामला है, इसलिए बड़ा सोचना समझना होगा। दूसरे मुल्कों में ट्रैवल करने के लिए आपके लिए ओपन ऑप्शन है, कभी भी आप बाय भी कर सकते हो किसी मुल्क में प्रॉपर्टी या कोई चीज, जा भी सकते हो, और आपकी आने वाली नस्लें जो अभी नस्लें हैं ये भी कुछ ही अरसे में आपके साथ होंगी, इसलिए कोई रिस्क नहीं है, आप ले सकते हो। एक बात, बैंक से कर्जा इस हफ्ते अगर पोस्टपोन कर दो तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि आपका ये वाला जो काम है, रुक जाओ थोड़ा सा और भी अपडेट दे देते हैं आपको कि ये जितने भी मामलात हैं आपकी जिंदगी के ये रुके पड़े हैं, तो ये भी ठीक हो जाए। दो 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 चीजें मुझे और अपडेट अभी आई है, आपकी किस्मत अच्छी है कि साथ साथ आपको अपडेट भी मिल रही है, और यहीं से ये आ जाएं सितारे तो हम आपको बताते हैं कि अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो टॉरस वालों, आप लोगों की किस्मत अल्लाह ताला करे बहुत अच्छी हो जाए। दो चीजें मुझे करने दो यार, कम ऑन भाई, यहां से मुझे करना है, वेट वेट वेट। आप लोग प्लीज लाइक कर दें जो अभी आए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों के अंगूठे उठे हुए हमें बहुत पसंद हैं, प्लीज अपना हिस्सा लेते जाइए। सिट बैक रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। सारे स्टार्स के बारे में बड़ी अहम मालूमात ये जो हफ्ता है ये कैसा गुजरने वाला है इसके हवाले से हम दे रहे हैं, और कुछ चीजें हैं जो साथ साथ अपडेट भी होती, क्योंकि मेरा ये लाइव स्काई जो है, एक एक चीज उस वक्त अगर अपडेट आती है कोई जरूरी है तो वो भी आपको बता देता है। ये थोड़ा सा मुझे इसको क्लोज में देखने हैं आपको इसी वजह से। ओके ये है जी, और ये आ गया, डन। ओके तो ये रही जी आपकी सूरत हाल। ओके टॉरस वालों, आप लोगों के लिए एक और अच्छी चीज है कि प्राइस बॉन्ड वगैरह अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो 11.2% तक। इसकी अपडेट भी है जो बड़ी खुशाइन बात है, और औलाद जिन लोगों की नहीं है वो अगर कंसीव करना चाहें तो वेडनेसडे 9:00 9 PM से 1 AM लेट नाइट ये टाइम है, और संडे को भी सेम यही टाइम है, तो आपके लिए ये दो बेहतर दिन है। और इस हफ्ते आपको नजरबद का शिकार हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओनली वन डे थर्सडे है। थर्सडे मॉर्निंग 9:00 से इवनिंग 6:35 तक का टाइम है जिसमें नजरबद लग सकती है। और तीसरी चीज ये है कि अगर आप सरमायाकारी करना चाहो लैंड में, जमीन जायदाद में, तो उसमें भी आपको 22.3% तक प्रॉफिट हो सकता है। दिस इज अ गुड न्यूज, और ये टॉरस वालों के लिए। टॉरस वालों वैसे इस हफ्ते पढ़ना क्या है यार, ये तो देख लो, लो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, या बदी हो या नाफे हो, ये अल्लाह ताला के इस्माए मुबारक हैं जो आपको पढ़ने हैं। और बाजरा आपको सदके में देना है, 12 रोटियां आप दे सकते हो, पुराने कपड़े दे सकते हो या कैश दे सकते हो, ये तीन चार चीजें हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन आप दे सकते हो। पर्पल कलर, येलो एंड व्हाइट, ये तीन कलर हैं जो आप लोग अगर पहनोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। टॉरस वाले, और अब बारी है द चूजास जेमिनाई। और जेमिनाई वालों एक सेकंड के लिए मुझे जरा ये मौका दे दो कि हम यहां भी देखें, यहां हलचल क्या मची हुई है, आप लोग यहां मौजूद हैं, साथ साथ हम आपके स्टार्स को भी देख रहे होते हैं। और बहुत सारे यहां प्यार करने वाले जब मौजूद होते हैं तो हमें देखना होता, प्लीज सुपर चैट जरूरी है, सुपर चैट कर दीजिए। आप लोगों से गुजारिश है कि आपकी सुपर चैट के ऊपर ये पूरा प्रोग्राम बेस कर रहा होता है। कैसे करते हैं सुपर चैट, जहां पे आप मैसेज कर रहे हो वहां पे आप लोगों ने देखा है एक डॉलर का निशान और एक इमोजी ग्रे कलर का बना हुआ है। आप डॉलर के निशान को जो ही क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज खुल जाएगा जिस पे लिखा होगा कितने भी पैसे भरना है, आप फिंगर टिप से वो भर सकते हो, अपने डेबिट या किसी भी क्रेडिट कार्ड से भर सकते हो। सो पाकिस्तान और अरब ममालिक के लिए ये फैसिलिटी अगर नहीं है तो आप लोगों को अपने ऐप स्टोर में जाना है। कोई भी बंदा बे ऐप नहीं होता आजकल, हर एक के फोन में ऐप है, तो आप अपने ऐप स्टोर में जाओ, वीपीएन डाउनलोड करना है जो फ्री वाला होता है, यानी सुपर वीपीएन फ्री है, और कूटो के यूटी और कूटो वीपीएन भी फ्री है, ये डाउनलोड करो
उसको कनेक्ट कर दो अपने वाईफाई के साथ, तो फिर आके आप सुपर चैट करोगे तो आप कर सकते हो। किसी भी करेंसी में आप करना चाहो तो वहां झंडे बने होंगे, आप झंडे गाड़ सकते हो। वैसे तो आप गाड़ ही देते हो झंडे। ओके जी, और प्राइवेट मीटिंग के लिए आप स्क्रीन पे देख रहे हो darwajahaider@hotmail.com, ये टेलीफोन पे मीटिंग होती है जनाब, इस पे आप मीटिंग कर सकते हो। और ये तरीका कार ये है कि इस पे आप ईमेल करोगे, मेरे पीएम मिस्टर शकील, उनका नंबर आपको सेंड किया जाएगा, पूरी डिटेल कैसे आपने पे करना है, कैसे बात करनी है, टेलीफोन पे आप बात कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। एंड थैंक यू वेरी मच जितने भी प्यार करने वाले हैं, थम्स अप अभी तक 1K से ऊपर नहीं हुए तो आपके 1K का हमें इंतजार है। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके आपको बेहिसाब खुशियां अता करें। नाउ टाइम फॉर द जेमिनी। जेमिनी वालों देखो यार, बात यह है कि जितने भी लोग इस वक्त आपकी जिंदगी में जुड़े हैं उनके लिए कुछ खास चीजें हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। जैसे कि चलो बताते हैं आपको, दिन रात के आने जाने में, दुनिया के अजायब खाने में, कभी शीशे धुंधले होते हैं, कभी मंजर साफ नहीं होते, कभी सूरज बात नहीं करता, कभी तारे आंख बदलते हैं, कभी मंजिल पीछे रहती है, कभी रास्ते आगे चलते हैं, कभी आसें तोड़ नहीं चढ़ती, कभी खदशे पूरे होते हैं, कभी आंखें देख नहीं सकती, कभी ख्वाब अधूरे होते हैं। ये सब तो सही है, लेकिन इस आशोब के मंजरनामे में, दिन रात के आने जाने में, दुनिया के अजायब खाने में, कुछ साया करती आंखों के पहमा तो दिखाई देते हैं, हाथों से अगरचे दूर सही इमकान तो दिखाई देते हैं। हां, रेत के इस दरिया के उधर एक पेड़ों वाली बस्ती के उनवा तो दिखाई देते हैं, मंजिल से कोसों दूर सही पर दर्द सही, रंजूर सही, जख्मों से मुसाफिर चूर सही, पर किससे कहे आ जाने जा। कुछ ऐसे घाव भी होते हैं जिन्हें जख्मी आप नहीं धोते, बिन रोए हुए आंखों की तरह सीने में छुपा के रखते और सारी उम्र नहीं रोते। नींदें भी मुहैया होती हैं, सपने भी दूर नहीं होते, क्यों फिर भी जागते रहते, क्यों सारी रात नहीं सोते, अब किससे कहे आ जाने वफा। ये अहले वफा किस आग में जलते रहते हैं, क्यों बुझ के राख नहीं होते, क्यों बुझ के राख नहीं होते। राख बुझ के इसलिए नहीं होते हैं जेमिनी, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने मरकरी प्लैनेट के साथ जोड़ा है, जहां मरकरी आपकी कुवत में इजाफा कर रहा है, ताकत में इजाफा कर रहा है, इसलिए अभी राख होने का वक्त नहीं है। बहुत सारे लोगों का यह ख्याल है कि जेमिनी के लिए अब जो वक्त शुरू हो रहा है बड़ा हार्ड है, लेकिन वो जिस फोर्स से बोल रहे हैं वो मिल्की वे 49 फ्लोर के स्टार्स को देखते हुए बोल रहे हैं, जो कि कन्वर्ट हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। अब 97 डिग्री ब्लैक होल के पास तीन बड़े सितारे, तुनवाब पहला नंबर का सितारा, अंदाजिया दूसरा सितारा है। इजिप्शियन लोग इस सितारे को हमेशा सोना चांदी धन दौलत का सितारा मानते हैं, और मुल्काब मुल्काब सितारा है जो बैठे बिठाए अचानक ही जिस चीज पे हक नहीं होता आपका, वो भी अल्लाह की तरफ से इनामो इकराम की सूरत में मिल जाता है। सो थ्री स्टार्स आपकी जिंदगी में आ चुके हैं, इधर उधर की सुनना मत, सिर्फ राजा हैदर की सुनना, क्योंकि आप गेम चेंज हो रही है। जेमिनी वालों, आप लोगों की जिंदगी में जितना स्ट्रेस आपने 2020 में देखा है, पिछले 2 सालों में आपने नहीं देखा। दूसरे लोगों की तनकीद करना, दूसरे लोगों का दुश्मन होना, आपके सामने ओरिजिनल फेसेस का आना, आपका कम गो होना, अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए दूसरों के दिल जीतना, ये सब कुछ हाईलाइट था। लेकिन अब सरमायाकारी के लिए, अब रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए, और अब आपकी हेल्थ की इंप्रूवमेंट के लिए ये हफ्ता स्टार्ट हो चुका है, और ये पूरा 1 साल रहने वाला। बड़ा तनाव देखा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपकी मकबूलियत में भी इजाफा होगा, आपकी नई डायरेक्शन में चलने का भी टाइम शुरू हो चुका है। एक फीकी सी होप जो आपसे या आपको किसी से लगी है, उसको निकाल, बाहर फेंको, खत्म कर दो, अपनी नई जर्नी के ऊपर तवज्जो दो। बहुत सारी खजाने की कुंजियां आपके हाथ में होने वाली हैं, कभी कभी
कुछ चीजें बड़ी हकीर दिखाई देती हैं, लेकिन अचानक ही उनका जिंदगी में आ जाना। देखो मरकरी की एक मैं खूबी बताऊं कि सूरज से सबसे करीब होने की वजह से ये आप लोगों की जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजों को लेकर आता है जिस तरह मतलब मैजिक बड़ी जल्दी अटैक करता है। मरकरी जिनका भी प्लैनेट है, मतलब वर्गो में भी, जेमिनी में भी, और भी बहुत सारे जो जिनको साइड इफेक्ट पड़ रहे होते हैं, आपके रिलेशनशिप को अप एंड डाउन में रखता है लेकिन उसको ब्रेक नहीं करता है। आप लोगों के फाइनेंस को अप एंड डाउन रखता है लेकिन उनको बिल्कुल तहखाने में नहीं लेकर जाता। अब ये नया दौर शुरू हो चुका है सितारों का, जिसमें आप लोगों को बड़े फैसले करने हैं। हकीर नहीं जानने का मतलब कि कभी कभी बड़ा छोटा सा काम या अमल भी आपको बहुत बड़े मकाम पे बिठा सकता है, फाइज कर सकता है। आप लोगों को अगर जॉब स्विच करनी है, टाइम बहुत अच्छा है, जॉब स्विच करो, पैसा ही पैसा आपके पास होगा। अगर आप लोगों को रिलेशनशिप को आगे मजीद बूस्ट करना है, टूट रहे थे तो उनसे आप दोबारा से रब्ता कर लो, गुफ्तगू शुनीद करो। सिर्फ 7 से 8 दिन के अंदर अंदर पूरी गेम चेंज होगी, आपका रिलेशन बूस्ट करेगा और लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। इस हफ्ते एक प्रपोजल आपके ग्राउंड में होगा जिसको आप खेल सकते हो, आउट ऑफ फैमिली, जो कि 63% तक बहुत अच्छा मैच होता है। 63% तक आपके साथ मैच कर रहा है। शादी ब्याह बड़ी क्विकली हो सकती है, लव मैरिजेस के चांसेस बड़े ज्यादा हो सकते हैं। कहीं कहीं जहां पे आपने कमिटमेंट नहीं की हुई वहां भी अचानक कमिटमेंट हो सकती है। यानी यहां से हफ्ता शुरू हुआ है, अब ये कम से कम एक साल, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा बड़ा टाइम है आपकी कामयाबियों का टाइम माना जाता है। काम की ज्यादती की वजह से थकान बहुत महसूस करोगे, पूरी बॉडी आपकी अकड़ी हुई महसूस करोगे। प्लीज अपने आराम के लिए जो भी मसाज वसाज कर सकते हो, जो भी खा पी सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, वो करना है। नए लोग आपके लिए हानिकारक यानी मुजर सेहत हो सकते हैं, इसलिए बड़ा सोच समझ के, हिसाब करवा के, मैच करवा के ही उनको अपने कारोबार, अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हो। आपके लिए मराकबों का जो एक सिलसिला था वो 2.3% यानी बड़ा ही कम आ चुका था, अब वो 6% पे चला जाएगा, जिससे आपको बड़ा फायदा होना शुरू हो जाएगा। काफी सारी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए इस वक्त बेहतरीन सबब बनेंगी। देखो जिनकी तालीमें अधूरी हो चुकी हैं उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम शुरू हो चुका है, जिन लोगों का मतलब उनके परसेंटेज मार्क्स बहुत अच्छे आ गए। होली श्राइन मुकद्दस मकामात पे जाना थोड़ा सा डिले हो जाएगा आपका, लेकिन आपको मौका जरूर मिलेगा यानी आने वाले दिनों में। 2021 तो आपका बहुत ही गोल्डन होगा, लेकिन वो देखना है कि किन किन लोगों के अल्फाज से बिजलियां गिरती हैं आपके वजूद में। आपके अल्फाज भी कम नहीं है, लेकिन थोड़ा अपना भरोसा करो कि आपको बीट करना बहुत आसान नहीं है, बिकॉज दो लोगों की पावर, दो प्लैनेट की पावर इकट्ठी आप लोग लेकर चला रहे होते हो। नए मनसूबे बन सकते हैं, जमीन जायदाद है या शोहरत के कामों में जाने वाला कोई भी ऐसा चीज, आपको डैमेज करने वालों की तादाद 8.7% बढ़ जाएगी, मतलब थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा आपको। आप अपने सदकात वगैरह भी देते रहो, तालीमें जहां टूटी है वहां से आगे का सिलसिला यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी आप करना चाहो कि जी हमें अब यहां जाना है, तो वो भी आपके लिए बड़ा बेहतर साबित होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज अपने बुजुर्गों का या जो माँ बाप जिनके हयात हैं उनकी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रख लेना, और प्राइस बॉन्ड वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत लकी टाइम नहीं है। स्क्रीन पे देखो ये चीजें हैं, लकी या हादी हो या गनी हो, ये दो तस्वीरें आपके लिए बड़ी जरूरी हैं। रेड किडनी बीन्स, लाल लोबिया दे सकते हो, तादाद कुछ भी हो, 5 फल दे सकते हो, सीजनल फल एक जैसे ही अलग अलग, चीनी दे सकते हो या फिर पैसे दे सकते हो। स्काई ब्लू, ग्रे एंड रेड, ये 3 कलर है जेमिनी वालों, आप लोग इस्तेमाल करोगे तो जिंदगी हो जाएगी बाहोबहार। और अब द ग्रेट कैंसेरियन, हमारे सरतान वाले जो सरतान के चलते हैं, सरतान के चलने वालों के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका अभी तक उनको पता नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए लेकर चलते हैं सरतान वालों। आप लोगों के लिए जो अहम चीज है वो है इस हफ्ते के ताल्लुकात बेहतर होना यानी बहाल होना। पहली चीज तो ये है कि आप लोगों को बड़ा फायदा होना शुरू हो जाएगा अगर आप पुराने रिलेशन जो भी आपके साथ है, मियां बीवी का जो भी ताल्लुक है आपका, अगर उन्हीं के साथ आप रहने की कोशिश करोगे तो आपका फाइनेंस ग्रो करेगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई नई चमकदार सी बिजली आपकी जिंदगी पे हावी हो रही है या कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। आपको अपने लाइफ की प्लानिंग अब बड़ी सोच समझ के करनी होगी, क्योंकि एक बड़ा स्कैंडल भी आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं से उड़ता हुआ आ सकता है। इसलिए इन छोटी मछलियों को हकीर मत समझो, आप शतरंज के मोहरे बन रहे हो। आप बहुत अकलमंद होते हो, आपका ब्रेन दूसरे लोगों से 10 टाइम्स ज्यादा बेस्ट होता है, लेकिन फिर भी
आपकी एक वीकनेस, चाहे वो ड्रग है, चाहे वो फर्द है मतलब या नशा या इंसान, ये दो ही चीजें होती हैं। बाकी लाइफ की जो गेम्स हैं उस वो वीक पॉइंट ही आपको मरवाता है। तो प्लीज इस हफ्ते तो अलर्ट रहना, जितने भी हाजिर दिमाग हो, जवाब हो, आपको एहतियात करनी है। हेल्थ इंप्रूव हो रही है, गुड लक, बहुत अच्छा है। आप लोगों के जिस जगह पे भी काम कर रहे हो, जो भी आपका इदारा है, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, वहां पर आपकी इज्जत शोहरत और पे स्केल में इजाफा थोड़ा कम है, लेकिन इज्जत शोहरत में इजाफा 20.7% है। हार्ड टास्क मिलेगी आपको, हो सकता है कि आपके जो कुलीग्स हैं, जो इर्द गिर्द के बाकी लोग हैं, उनकी नजरें भी आपके काम पे गड़ी हो कि आप अब क्या करोगे। सो आप वो खिलाड़ी हो जो रास्ता इतना बारीक सा भी हो तो आप आंखें बंद करके भी गुजर सकते हो, बिकॉज आप अच्छी तरह से जानते हो कि हु आर यू बेसिकली। नए लोगों की आमद से आपको खौफ ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आपका काम देख के आपको मजीद कुछ बड़ी ऑफर्स भी कर सकते हैं। आप लोग अपनी बैक जो बोन है इसका खास तौर पे ख्याल रखना है, कमर को भारी चीज उठा नहीं लेनी है। आप लोगों के जो फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, इसकी खास तौर पे आपको इस हफ्ते में मंगल को यानी ट्यूसडे और फिर सैटरडे को बहुत एहतियात करनी है। फ्रोजन शोल्डर्स या बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आपके हड्डी से रिलेटेड चल रहे हैं उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ज्यादातर जितने भी लोग हैं, जमीन जायदाद खरीदो फरोख्त, मकान की हिजरत या फिर आपकी ट्रैवलिंग इस हफ्ते का हाईलाइट है, बहुत बेस्ट रहने वाला है। आप लोग प्लान कर लो आगे, फिर जब भी जाना हो लेकिन फाइनलाइज पोजीशन पे पहुंचा दो। खुशखबरी मिलेगी, औलाद की तरफ से कोई एक अच्छी खबर मिल सकती है, कोई मंसूबा बना सकते हो, कोई प्लानिंग कर सकते हो जिसका ताल्लुक फ्यूचर से है। कुछ ख्वाब के जरिए आपको गुफ्तगू का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा जो सीरियल वाइज होता है, यानी ख्वाब टुकड़ों में मुख्तलिफ टाइम में आएगा, जिसमें रब की तरफ से उन लोगों को जो मराकबे करते हैं या जो वजायफ करते हैं उनको कुछ पैगामात दिए जाएंगे, जिनको इकट्ठा करने के बाद आपसे रब कोई काम लेगा। ये एक्टिवेशन ड्रीम्स की जो है ये सिर्फ जो मराकबा करने वाले हैं उन लोगों के लिए। अब तक जिन लोगों ने ठोकर पे रखा हुआ था या जो आपके दुश्मन थे वो गर्क होने के बिल्कुल धाने पे खड़े हैं, यानी अब आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपके ऊपर कोई जादू टोना इस टाइप की चीज, ये सिर्फ इस वीक की बात कर रहे हैं, पूरी लाइफ के लिए नहीं होती है। अच्छे रफीक जो हैं आपकी जिंदगी में दो लोग बस बच जाएंगे, जो अच्छे रफीक यानी जो अच्छी एडवाइस कर सकते हैं, जो आपके साथ बिना कुछ ले दे के आपके साथ सेंसियर रहने वाले हैं, वो टोटल दो लोग हैं। और दो लोगों से आप फेड अप हो जाओगे, लेकिन इजहार जबान से मत करना क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, यानी एंगर को या बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, तो उस रुसवाई की वजह से खामोश रहना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि आप लोग अगर बैंक वैंक का कोई मामला निपटाना चाहते हो, नई गाड़ी खरीदना चाहते हो, बैंक से कोई लोन लेना चाहते हो, तो आपके लिए गोल्डन टाइम है, जरूर ले सकते हो। ये आइडियल टाइम आपको बार बार नहीं मिलेगा, यानी ये हफ्ता है, पेशरफ्त कर सकते हो आप, ठीक है। और अगर दूसरे मुल्कों में आप हिजरत करने का प्लान कर रहे हो, ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो, तो पोस्टपोन कर दो, अभी जाने की जरूरत नहीं है। कैंसेरियन, अभी जिस चीज की जरूरत है वो हम आपको साथ साथ बता रहे हैं। स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे लिखा है ना या मालिकुल मुल्क, बस ये पढ़ो। स्क्रीन पे लिखा है या उफुओ, बस ये पढ़ो। ये इस हफ्ते के वजायफ हैं जी। आप सदके में तीन लोगों को खाना खिला सकते हो, सूजी या फिर उसका हलवा बना के दे सकते हो सदके में, खीर बना के दे सकते हो सदके में। अच्छा, जो सूजी और हलवा या खीर होती है जैसे घर में बनाते हो, ये फिर आपने नहीं खानी, सदके वाला आइटम सिर्फ सदके का होगा। वो एक होता है खैरात दे रहे हैं, आपने कुछ बनाया होगा, किसी को खैरात भी कर दो, वो खुद भी खा रहे हो और किसी और को भी दे दिया वो, लेकिन सदके का आइटम नहीं देना, ठीक है, बार बार बताता हूं। या सिक्का राजुल्ला, कुछ कैश दे देना। कलर में ब्लू कोई भी डार्क एंड लाइट, ग्रीन डार्क एंड लाइट, पिंक डार्क एंड लाइट, कोई भी कलर आप पहन सकते हो, या आपकी जिंदगी पे बहुत अच्छा सराहत डालेंगे। ओके, अच्छा जी, ये हो गया हमारे कैंसर वाले। ओए होए, शेरां दे पुत्तर, ये किधर से आते हैं, किधर को जाते हैं, इनका कुछ पता नहीं चलता है। ये असद वाले हैं, असद वाले दुनिया में घूमते घूमते कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाते हैं। लेकिन असद वालों, एक बात याद रखना कि जिंदगी बड़े वादे लेगी, लेकिन आपके अंदर का जो एक तकलीफ वाला सिलसिला है उसको पढ़ने वाला बड़ी मुश्किल से मिलेगा आपको। यही वादा लिया था ना, हमेशा खुशी रहना है, यही वादा लिया था ना, तो ले देख, देख लो आकर मेरी आंखों को, देखो तुम ये कितनी शोक लगती है,
मेरे होंठों को देखो तुम, हमेशा मुस्कुराते हैं। कोई भी गम अगर आए उसे हंसकर सहा मैंने। मेरे चेहरे को देखो तुम, हमेशा पुरसुकून होगा। क्या था मैंने जो तुमसे वो वादा कर दिया पूरा, मगर एक बात है जाना, कभी जो वक्त मिल जाए तो मेरी शायरी पढ़ना, तुम्हें महसूस तो होगा कहीं तलखी भरा रह जा, कहीं पे सर्द सा लह जा, कहीं पे दर्द की झीलें, कहीं लहजे की कड़वाहट। सुनो, मैं खुश तो हूं लेकिन मेरे अल्फाज रोते, मेरे अल्फाज रोते। लियो वालो, प्लीज स्टॉप दिस रोना धोना। आपको रोना नहीं है, जितने आप शेर हो उतने ही रहो। वीक करने के लिए 2020 में नवंबर तक जितने भी वीक आए उन्होंने आपको वीक किया, लेकिन अब आपके स्ट्रांग होने का टाइम है। कारोबारी सतह पे या मुश्तरका जो भी मामलात आपके चल रहे हैं उसमें वुस्सत दिखाई दे रही है, उसमें आप लोगों का धन दौलत बढ़ रहा है। आपके रिलेशनशिप और लव जो बिल्कुल डाउन हो चुके थे 23% तक, वो आ रहे हैं 53% पे। बहुत है, बहुत है, बहुत है। आप लोगों के जो रिश्ते टूट रहे हैं उन रिश्तों को बचाने के लिए आपके पास जुमेरात और फिर इतवार का दिन है जिसमें आप अगर मिलते हो, बातचीत करते हो तो रिश्ते बच जाएंगे। कुछ नए काम कारोबार शुरू करने की अगर आपने सोच रखी है, ठान रखी है, तो आप उसको डिले कर दो। थोड़ा सा डिले करने के बाद आपके पास इतना मवाद होगा, पैसा इतना होगा, इतने आइडियाज होंगे कि जिसमें आप काम कर सकते हो। जल्दबाजी में कोई भी काम मत करना, चाहे वो कितना ही सक्सेस रेट क्यों ना पा रहा हो। एक काम जरूर करना है, मैच करवाना है, ये काम आपके साथ ठीक है भी कि नहीं, पार्टनरशिप में फलां बंदे की जो इजारादारी है वो ठीक है कि नहीं, उसको शमूलियत करना जरूरी है आपके साथ के नहीं है। फ्यूचर की प्लानिंग करने का ये हफ्ता है जिसमें जमीन जायदाद बेचना चाहो या फिर कुछ खरीदना चाहो, मकान की हिजरत चाहो, ये आपके लिए बहुत जबरदस्त रहने वाला है। कुछ काम जबरदस्ती आपको सौंपे जाएंगे, यानी बहन भाई अजीजों अकारे बहुत करीबी खून के रिश्ते आपको आजमाएंगे। आप अगर आसानियां देना चाहो तो दे सकते हो, ये आपके लिए फायदामंद साबित होगा। कुछ करीबी लोग जिनसे आपकी वाबस्तगी बहुत ज्यादा है उनकी खुशियां आप देखोगे। वैसे इस हफ्ते कहीं आना जाना पड़े तो एहतियाती तदाबीर लाजिम है, क्योंकि बुध वाले दिन, फिर जुमे वाले दिन और फिर इतवार के दिन आपको इन तीन दिनों में अपनी फिटनेस का, अपनी हेल्थ का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर इन्हीं तीन दिनों में कहीं आते जाते हो तो आपने ये देखना है कि भैया बहुत प्रॉब्लम है मेरे लिए, मतलब कुछ जादू वादू को बुरी नजर इसमें, क्योंकि हाईलाइट हो रहे हैं सारे के सारे स्टार्स, तो प्लीज आपको एहतियात करनी पड़ेगी। आप कुछ मान के भूल चुके हो अगर, क्योंकि आपके सितारों में तीन डिफरेंट एरर आ रहे हैं, मुस्ताफी जिसको सितारा कहते हैं, वो तीन जगहों पे एरर का मतलब है कि कोई मन्नत, कोई नवाफिल, कोई ऐसी चीज जो मान के आप भूल जाओ तो उसका अजाला भुगत रहे होते हो आप। प्लीज उसके लिए कुछ भी आप कर दो, कुछ खाना वाना खिला दो किसी को, रोटियां दे दो, दो रकात नमाज भी पढ़ते हैं ना जो हाजत कजा हो जाती है और याद नहीं रहती, उसके लिए पढ़ते हो, वो पढ़ लो, कुछ भी कर लो तो ये आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जो भी मराकबा या वजायफ कर रहे हो उसमें कामयाबी दिखाई देगी। ख्वाबों के जरिए काफी सारे मैसेजेस मिलने वाले हैं, लेकिन ये ख्वाब सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को आएंगे, ये फर्स्ट सीरीज है। फिर अगली सीरीज मतलब फ्राइडे के बाद फिर कब आती है नेक्स्ट वीक का हम आपको बता देंगे। कुछ नए प्रोजेक्ट से आपको फायदा होगा, यानी आप काम करो ना करो लेकिन आपके कदम इतने मुबारक होंगे कि किसी के साथ आपका नाम जुड़ जाना भी काफी होगा। जो भी मेरे बहन भाई इस वक्त रिश्ते के इंतजार में है उनके लिए दो प्रपोजल आउट ऑफ फैमिली से आने वाले हैं, जो भी होंगे या आपके पाइपलाइन में है, ये 53.7% 53.7% तक कामयाबी है। इसमें आप हां कर सकते हो, वेरी क्विकली आपकी ये शादियां वादियां हो सकती हैं। और जो एंड टाइम पे जो ये कह रहे हैं कि हमने दूसरे मुल्कों में जाना है, शिफ्ट करना है, वीजा करना है, उन लोगों के तकरीबन 28 days डिले आ रहा है, यानी ये डिले हो सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, होता है, होता है। जब अल्लाह ताला चाहता है कि आपको परफेक्ट ही दिया जाए तो फिर डिले उसी की तरफ से होता है कि ये टाइम सूटेबल नहीं है। कभी कभी एंड टाइम पे आके भी मंसूबे बदले जाते हैं। आप लोगों की हेल्थ बहुत ओके है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपकी जो सेहत है इसकी पूरी की पूरी स्कीम्स अल्लाह ताला ने बना ली है, बहुत तकलीफ देख ली, अब नहीं देखोगे।
आपके चेहरे पे एक अजीब सी शाइन लोग महसूस करेंगे आने वाले दिनों में। ये पिशवाब बड़ा सितारा जो है, पिशवाब सितारे का क्या होता है, ये एक दुकियानी अमल होता है, सितारों की एक स्टेज होती है जिसके ऊपर से जो सबसे ऊपर वाला सितारा है वो रोशनी देता है तो व्हाइट लाइट आपकी स्किन को ग्लो करना शुरू कर देती है। कहते हैं अरे आपके चेहरे पे तो बड़ा नूर आ रहा है, ये उसी का रिफ्लेक्शन होता है जो आपके ब्लड में आता है और आपके चेहरे तक आता है। सो सितारों की जो हीट है ये हमारे ब्लड में जाके, कभी आपने देखा किसी का चेहरा अचानक ही काला हो गया, वो मैजिक जरूर होता है लेकिन उनके रिलेट करते हुए सितारों को जब काबू में करते हो तो तब वो होता है। इसके ऊपर हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। अबे मतलब आज ही बता दूं मैं सारा, क्यों बताऊं आपको, जो बताने वाली चीज है ना लियो वो ये है, स्क्रीन पे देखो यार, ये है या बातिनो या वलो, ये दो तस्बीहां हैं मेरे अल्लाह के खूबसूरत इस्माए मुबारक। सदके में आप बर्ड फूड दे सकते हो, दाल माश दे सकते हो ब्लैक वाली, आज़बे तौफीक जितनी भी देना चाहो, गोश्त दे सकते हो आप अनकुक्ड हालत में या फिर कैश दे सकते हो। कलर्स जो आपने पहने हैं वो है डार्क ग्रीन, ब्राउन एंड व्हाइट, ये तीन कलर है आप लोगों की जिंदगी को बहुत ज्यादा बदल देंगे। लियो वालो बेस्ट ऑफ लक एंड वेलकम। वर्गो वाले, वर्गो वालो देखो, पहली चीज ये है कि ये जो साल 2020 शुरू हुआ है इसने बहुत सारी चीजों को तोड़ा फोड़ा, तब्दीलियां लेकर आया, लेकिन आपकी जिंदगी में 9.7% से ज्यादा डैमेजेस नहीं हुए। माली तौर पे फिजिकली स्ट्रेस लेवल आपको बहुत रहा है, रिलेशनशिप का खिंचाव बहुत रहा, लेकिन अब सब कुछ अक्सर बदल रहा है एक एक करके अपनी अपनी जगह पे, पूरा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ आपको लगे यार ये कैसे हो सकता था, ये तो नहीं हुआ। स्पेशली फाइनेंस एंड रिलेशन की बात कर रहा हूं तो अब आपका एक नया दौर शुरू हो चुका है। ये रहेगा 9 मंथ के लिए, इन 9 महीनों में आप जितनी तगदो कर सकते हो कर सकते हो। फाइनेंस एंड रिलेशनशिप बोथ की हम बात कर रहे हैं। आप अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सोच समझ के करना कि ये जाया ना हो जाए पैसा, और अगर कहीं आप जॉब कर रहे हो तो सोच समझ के करना कि आपको स्विच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट, छोटे मोटे सफर, ये इस हफ्ते की हाईलाइट है। हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रही है, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का फिटनेस का ख्याल रखना पड़ेगा। जो मराकबे नहीं कर रहे हैं, जो बीच में छोड़ चुके हैं, उनको दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये हफ्ता बहुत अच्छा है, आपकी मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा। नजर बद लग सकती है बुध वाले दिन, जुमेरात वाले दिन और इतवार वाले दिन। 5:25 PM की बात कर रहे हैं अपने अपने मुल्कों के हिसाब से, और 10:25 तक ये टाइम रहेगा। इस दौरान आपको एहतियात करनी है कहीं आते और जाते हुए। बैंक से कर्जा लेना चाहो, राइट टाइम है आपके लिए। कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा है, कोई इल्जाम लग सकता है आपके ऊपर झूठा जिससे आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। स्ट्रेस राइट नाउ 43% है तो आप सोचो 68 पे जाएगा तो क्या होगा। इसलिए अपने ईगो को भी काबू में रखना, अपने एंगर को भी काबू में रखना, तभी आप आगे जा सकते हो। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जब आप क्लीन होते हो तो फिर बहुत ज्यादा हाइपर हो के भी आपने क्या करना। लव रिलेशनशिप, महबूब माँ बाप, बहन भाई, मियां बीवी, इस रिलेशन में पहली बार 3 साल में एक ऐसी लहर आ रही है कि जो आपको दोबारा से ये कहने पर मजबूर कर देगा कि लाइफ का मजा अब आना शुरू हुआ। यानी आपका जो एक परसेंटेज है, देखो जादू टोना बहुत आसानी से होता है वर्गो वालों आप पे, क्योंकि वही सेम मरकरी है प्लैनेट। अब आपके लिए जो जो चीजें टूल पकड़ती हैं उनमें रिश्तों को कैंची करने वाले बहुत सारे लोग जो आपको सक्सेस नहीं देख सकते और सिजर कर देते हैं, ठीक है। अब वो वाला टाइम शुरू हुआ है कि पहली बार आपको लगेगा कि आप बिल्कुल फ्री हो यार, कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि अब आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। आप एक ही टाइम में 6 कश्तियों में पांव रख के जीने वाले, कारोबार भी चल रहा है, हेल्थ को भी इंप्रूव करना है, रिलेशन को भी बचाना, एजुकेशन भी देखनी है, शोहरत दौलत भी देखनी, इन सब में से अब आप 2 चीजों को कर सकते हो, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप, और इन्हीं पे फोकस करोगे तो आपके आने वाले दिन बड़े जबरदस्त रहने वाले। कुछ रिलेशन जो माँ बाप बहन भाई हैं, उन लोगों की हेल्थ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर कोई बीमार बीमार है, कोई तकाजा कर सकता है आपसे मुल्क से बाहर जाने के लिए, आपको एहतियाती तदाबीर लाजमी देखनी होगी। वीजा इमिग्रेशन के लिए यहां 27 दिन का डिले है, जो भी है थोड़ा सा 27 डेज डिले, लेकिन वीजा इमिग्रेशन हो जाएगा अगर आप अप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा। कारोबारी सतह पर नुकसान के चांसेस कम है। स्टॉक मार्केट और गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने वालों से गुजारिश है कि आप लोगों को 68% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कोई दोस्त, कोई करीबी रफीक आपसे कोई तकाजा कर सकता है और संजीदा
तौर पे नाराजगी का इजहार भी कर सकता है। प्लीज अपने हिसाब से टैकल कर लीजिएगा। कोई भी रिएक्शन देना या फाइनल डिसीजन लेना इस वक्त आपको सूट नहीं करता है। वर्गो, आप लोगों को अगर कुछ पढ़ना है, स्टूडेंट्स हो, आप लोगों की तालीम अधूरी थी, तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट है कि दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। पढ़ाई में सैपली वैपली थी या कहीं रुकावट थी, उसमें कामयाबी दिखाई दे रही। स्क्रीन पे देखो क्या लिखा। स्क्रीन पे लिखा है कि वर्गो वालो, आप लोगों को पढ़ना है या मुकदमों या समदो। बकरे की जो सिरी होती है काट के आप जानवरों परिंदों को डाल सकते हो, दाल चना सदके में दे सकते हो, या फिर आटा दे सकते हो बगैर गूंधा हुआ, या फिर कैश दे सकते हो। इन सब चीजों में से किसी एक चीज का इंतखाब करना है। येलो कलर, ब्लैक कलर एंड रेड कलर, ये आप लोगों के लकी कलर है वर्गो वालो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग अगर ये पहनोगे तो बहुत गुड लक हो जाएगा। तो अब बारी है हमारी लिब्रा वालों की। लिब्रा वालों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है यार, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब लिब्रा वाले आते हैं तो फिर देखते हैं कि यार पता नहीं आप क्या करें। उदास उदास रहते हैं लिब्रा वाले, पर क्या करें, उदासी तो है। आ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ, उम्र गुजरी तुझे देखे हुए बहलाए हुए याद है। हम तुझे दिल मानते थे अपने सीने में मचलता हुआ जिद्दी बच्चा, तेरे हर नाज को उंगली से पकड़ के अक्सर नित नए ख्वाब के बाजार में ले आते थे। तेरे हर नखरे की फरमाइश पर एक जीवन की तमन्नाओं की बीनाई से हम देखते थकते ही न थे। सोचते थे एक छोटा सा नया घर, नया माहौल, मोहब्बत की फिजा हम दोनों, और किसी बात पे तकियों से लड़ाई अपनी, फिर लड़ाई में कभी हंसते हुए रो पड़ना और कभी रोते रोते हंस पड़ना, और थक हार के गिर पड़ के मासूम खुशबख्त ख्याल याद है। हम तुझे सुख जानते थे, रात हंस पड़ती थी बेसाख्ता दर्शन से तेरे, दिन तेरी दूरी से रो पड़ता था याद है। हम तुझे जहां कहते थे, तेरी खामोशी से हम मर जाते थे, तेरी आवाज से जी उठते थे, तुझको छू लेने से एक जिंदगी आ जाती थी शरियानों में, थाम लेने से कोई शहर सा बस जाता था वीरानों में याद है। हम तुझे मिलने के लिए वक्त से पहले पहुंच जाते थे, और मुलाकात के बाद हम बहुत देर से घर आते थे, तो कहते थे हमें कुछ ना कहो, हम बहुत दूर से घर आए हैं, इस कदर दूर से आए हैं कि शायद ही कोई आ पाए याद है। हम तुझे ईमान कहां करते थे, आ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे। दहलीज पे जाने का वक्त हो गया खत्म। लिब्रा वालों, जिंदगी ने आपको वैसे ही दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर किया। आप उन कामयाब लोगों में शुमार होते थे 2019 तक, जिनको देख के लोग सिर्फ हसद से ऐसे करते थे और कहते थे काश यार हम, हमारे साथ सितारा भी मीजान होता। तराजू के दोनों पलड़े अल्लाह की तरफ से अगर आपको दिए गए, हमारे जितने भी बहन भाई हैं लिब्रा वाले, उन लोगों की जो सख्तियां थी, चाहे वो किसी भी हवाले से है, रुपए पैसे रिलेशन, वो अब खत्म हो गए, माफ हो गए। यानी सार सती की अगर बात करो इंडिविजुअल हर एक की डीए के हवाले से, या फिर रिलेशनशिप का जो खटाव था वो सब अब शीरीनी में बदल जाएगा। आप लोगों के लिए पेशावराना महाज में अब जाके लड़ने की जरूरत नहीं है, रास्ते खुद ब खुद हल होते जाएंगे, आसान होते जाएंगे। नई शाहराओं पे कदम रखोगे, फाइनेंस के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगे। आपको जिस भी पेशे से वाबस्ता हो उसके अलावा सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम को भी निकालना, यानी इन दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको किसी और रास्ते को निकालना पड़ेगा। किसी एक रिलेशन से फिर से धोखा खा सकते हो, इसलिए रिलेशनशिप का चुनाव करते हुए बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। और वो बहनें जो अभी तक इंतजार में हैं, या भाई के हमारे रिश्ते नहीं हो रहे हैं, उन लोगों के लिए एक प्रपोजल फैमिली एंड आउट ऑफ फैमिली से इस हफ्ते जो दिखाई दे रहा है वो है 51.3%। अच्छा है, आपको बहुत खुशी मिलेगी इस रिश्ते से। बहुत जल्दी
हमें बदल जाएगा और बहुत जल्दी यानी 2021 में इंशाल्लाह आप यादें सुधार चुके होंगे या किसी को लेकर आ चुके होंगे। सफर की ख्वाहिश जिन जिन को है उन लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि आपके वीजा इमिग्रेशन के मसाइल हल हो जाएंगे। छोटे और बड़े सफर के लिए आपको इस हफ्ते तैयार रहना है। जितने लोग स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे मुल्कों में कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बड़ा आइडियल टाइम है, बहुत आसान टाइम है। आप लोगों के लिए काम के साथ साथ यानी पढ़ाई के साथ साथ जॉब को करना भी बड़ा आसान हो जाएगा। नए लोग आपकी जिंदगी में कहीं कहीं वाबस्ता होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं होगा, आपको जब तक मैच नहीं करना तब तक हां भी नहीं करनी है। कारोबार किसी के साथ मिलकर कर रहे हो तो ये जिंदगी का एक नया रुख होगा, एक नई डायरेक्शन होगी। इसमें बहुत एहतियात का मुजाहरा करना होगा आपको। आप लोगों के लिए जिंदगी में कुछ खास चीजें हैं जो अल्लाह की तरफ से दी जाएंगी। खास तौर पे जो लोग मराकबा या चिल्ला वगैरह या वजायफ करने वाले हैं उन लोगों को एक ग्रेट अप कर दिया जाएगा। आपको ख्वाब के जरिए या हकीकत में बहुत सारी चीजें आया कर दी जाएंगी। कारोबारी अफराद को बहुत फायदा होगा। स्टॉक मार्केट, गोल्ड, लैंड, फूड, प्रॉपर्टी, ब्यूटी, जितने भी प्रोडक्ट में काम करने वाले हैं, मीडिया एंड पॉलिटिक्स ऑल्सो, सोशल मीडिया वाले, जितने भी लोग लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, मेडिसिन या तिब की फील्ड में हैं, उन लोगों के लिए 26.6% 26.6% तक इंप्रूवमेंट आ रही है फाइनेंस की, शोहरत की, गेम चेंज होने की। स्ट्रेस लेवल बहुत रहा है आपका लास्ट वीक, अब 9.2% तक नीचे आएगा। नए आइडियाज आपको आएंगे, आप हर किसी को मत बताइएगा कि आपके पास क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं, सिर्फ मुतलका लोगों से ही बातचीत कर सकते हो। कोई लोग आपकी कोई चीज चोरी करने की, घुमाने की कोशिश करेंगे, खास तौर पे पेपर और कीमती अशिया का आपको बहुत ख्याल रखना है। किसी पर ट्रस्ट मत करना, किसी के हवाले अपने कागजात, चेक या कोई भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे मत करना, आपको खुद सुपरविजन करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है कोई अजीज तकाजा करे रुपए पैसे का, आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़ा सा एंगर दिखाई दे रहा है मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन। 3 बजे दोपहर को शुरू होगा और ये 6:06 पे 6:06 पे खत्म हो जाएगा पीएम पे, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए आसानियां हैं, अल्लाह की तरफ से मुबारक है। वो टाइम जो कि आप लोगों के अभी रिश्ते छूट चुके हैं उन लोगों के लिए बड़ा ही जबरदस्त है। तो माजी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, लेकिन अब चेंज हो जाएगा। ब्रेन बूस्टिंग का हफ्ता, याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी लिब्रा वालों की। और देखो जितनी जल्दबाजी में आप फैसले कर रहे हो ये आपके लिए ठीक नहीं है लिब्रा वालों। थोड़ा सोच समझ के फैसला करो, हिसाब करवा लो। इस हफ्ते जादू टोना या नजरबद के चांसेस भी बहुत हाईलाइट हो रहे हैं, लेकिन अगर ये पढ़ोगे तो बच जाओगे। या वाहिदो या कयूम, ये दोनों तस्बीह आपको पढ़नी है। सदके में 14 रोटियां दे सकते हो, ब्राउन शुगर दे सकते हो, या 5 फल दे सकते हो, या फिर कैश दे सकते हो। कलर में ब्लैक, ऑरेंज एंड ब्राउन कलर आपको पहनना है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लिब्रा वाले हमारे प्यारे, और अब बारी है स्कॉर्पियो की। वो स्कॉर्पियो वालों, जो भी अभी आए हैं प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि लाइक को हिट कर दो। आई नीड 1.5K से ऊपर, तो प्लीज आप जो ही अभी 1K होंगे तो आपको कुछ सुनाई भी देगा। वो क्या सुनाई देगा वो बाद में बताते हैं, लेकिन फिलहाल तो आपको ये करना है कि लाइक को हिट करना है। मेरे शो के बाद एक बड़ा जबरदस्त शो होगा जिसमें मैं मौजूद होऊंगा बकलम खुद, और वो है माय ब्यूटीफुल वाइफ, माय इनोसेंट वाइफ सिमी। यस, द सिमी हेदर, सिमी क्यानी के नाम से आप इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सिमी किचन। आज का शो बहुत जबरदस्त है, जितनी भी बहनें हैं वो भी आती हैं लाइव, भाई भी आते हैं। ऑडियो एंड वीडियो कन्वर्सेशन का एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम गपशप लगाते हैं, बिल्कुल ही इस फॉर्मेट से हटके। बहुत अच्छा शो होता है, रोजाना रात पाकिस्तान टाइम 11 बजे शुरू हो जाता है। तो आप लोगों की शमूलियत एक बार फिर से हमारे लिए 22 से मुसर्रत और इफ्तिखार रहेगी। और थैंक यू वेरी मच जिन्होंने इतने ज्यादा लाइक्स दिए हैं, हिट्स दिए हैं। परवरदिगार आपके मन के सारे अरमान पूरे करे, कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे, और बेहिसाब खुशियां अता करे। आप लोगों ने जाहिर है जितना मैंने टारगेट दिया उससे ज्यादा आप ले गए हो, तो आप लोगों के लिए थोड़ी तालियां तो बनती है ना बॉस। ये थालियां आप सबके लिए थी, फिर से बजा देते हैं कि ताकि आप खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। और भैया सब प्यार करने वालों के नाम जो हमारे साथ साथ भाग रहे होते हैं
और साथ देते हैं हमारा। थैंक यू एक बार फिर से आपकी इन मोहब्बतों को सलाम। चलते हैं उन लोगों के लिए जो हैं स्कॉर्पियो द अकरब वाले। देखो यार, आपकी जिंदगी लौट के आ गई है ये सोच लो। ये हफ्ता परवरदिगार ने आपको दो बड़े मौके दिए, इसमें जितना भी जी सकते हो सिमरन की तरह अपनी जिंदगी जी लो। पहला फाइनेंस, फाइनेंस के बहुत सारी अल्टी पल्टी मारते बैठे हुए एक ही पोजीशन पे आपने उसको देखा है, यानी फेलियर फेलियर एंड फेलियर, नाकामी बहुत ज्यादा हुई। अब आपकी गेम चेंज हो रही है, अब आपको नए मंसूबों से भी पैसे बनाने हैं। अब आप लोग टूर एंड ट्रेवल के अलावा, फाइनेंस यानी बैंकिंग के अलावा, वकालत के अलावा, मेडिसिन के अलावा, मीडिया के अलावा, जितनी भी जिस फील्ड में हो इसके अलावा भी आप जा सकते हो पैसा कमाने के लिए। 9.7% पर डे के हिसाब से आपकी लाइफ चेंज हो रही है। मतलूबा नताइज मिलेंगे स्कॉर्पियो वालों को, जो जिंदगी को गंवा चुके थे, समझ रहे हैं कि हमारी जिंदगी चली गई, उनको दोबारा से मौका मिलेगा। वीजा इमिग्रेशन के लिए आसानियां दिखाई दे रही हैं। पार्टनरशिप पे अगर काम कर रहे हो तो आपको बहुत सूट कर रहा है, लेकिन आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो। सिर्फ बड़े टारगेट का अगर इंतजार कर रहे हो तो जरूरी नहीं होता है, ठीक है। सामाजिक तौर पे या शोहरत में इजाफा हो रहा है, छोटे और बड़े सफर के लिए आपका बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है स्टार्स का। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप लोग अगर शादी ब्याह के इंतजार में होंगे, जी हमारी शादी नहीं हो रही, वो बहने जो अभी तक शादी ब्याह के इंतजार में है कि हमारा काम ही नहीं हो रहा है, उन लोगों को प्लीज सोच समझ के ये फैसला करना होगा। मोहब्बत में इजाफा हो रहा है, 48% बहुत है यार, लेकिन फिर भी कहीं कहीं एंगर आपका ज्यादा दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में कुछ नुकसान कर बैठोगे, इसलिए हौसला। अगर आपको जॉब स्विच करनी है गो, लेकिन फिर भी सोच लेना कि जहां जा रहे हो वो 17 मंथ से ज्यादा लंबी जॉब नहीं होगी। अगर आप लोग बर्दाश्त कर सकते हो कि 17 महीने यानी 2.5 साल तक ठीक है ये रहे, फिर हम चेंज कर देंगे, तो डू इट सर। आपकी अपनी लाइफ है, हम तो सिर्फ बता सकते हैं। जादू टोने का इम्कान इस हफ्ते बहुत ज्यादा है, और दिन है बुध का दिन और इतवार का दिन। कहीं भी आते जाते हुए एहतियात करना, किसी के हाथ से खाते पीते हुए कोई चीज लेते हुए भी एहतियात करना, क्योंकि ऑलरेडी पहले 3 टाइम एक महीने में आप बुरी नजरों जादू का शिकार हो चुके हो। दोस्तों से मेल मुलाकात रहेगी, कुछ जेर तकमील काम मुकम्मल हो जाएंगे, कुछ परेशानियां दूर होती हुई नजर आ रही हैं, पर तवानाई में इजाफा नहीं हो रहा है। एनर्जी है लेकिन इतना भी नहीं है। आप लोग पता नहीं क्यों परेशान रहते हो यार, मुझे ये समझ नहीं आती है कि अकरब वालों आप तो अकले कुल माने जाते थे किसी जमाने में। तसव्वुफ में बहुत ज्यादा जो लोग मिलते थे उनको कहते थे कि जी आप कौन हो, तो लोग कहते थे हम पाइसिस हैं, हम कैप्रिकॉन हैं और हम स्कॉर्पियो हैं। ये तीन लोग ही आपको बहुत मिलते थे, बड़े पीर वली फकीर। लेकिन फिर गेम चेंज हुई क्योंकि आपने अपने ब्रेन को, मतलब जो यूज करने वाली टाइमिंग होती है उसको छोड़ के आपने प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई कि यार दुनिया ये कर रही है, हमें भी ये करना चाहिए। नो, आपका टूल है आपका दिमाग, ब्रेन बूस्टिंग हो रही है। जितने भी लोग फेल हुए इम्तहानों में सेपली वेपली आई, उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। दोबारा से तालीम शुरू करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत अच्छा टाइम है। नई डायरेक्शन, नए लोग आपकी जिंदगी में आके दस्तक दे रहे हैं। पिक एंड चूज करते हुए बहुत एहतियात करनी पड़ेगी आपको। और इस वीक में थोड़ा अपनी बड़ी आंत के हवाले से एंड अतीत जो दांत हैं इसके हवाले से एहतियात करनी पड़ेगी स्कॉर्पियो वालों को। आप लोग अपने जो करीबी रिलेशन है, हो सकता है बैठे बिठाए किसी बड़ी लड़ाई झगड़े पे बातचीत चली जाए, इसलिए हंसी मजाक करते हुए भी बहुत एहतियात बरतना पड़ेगा आपको। हो सकता है ये हफ्ता आपका बहुत ज्यादा बिजी ना हो, स्टॉक मार्केट, बैंक में लॉटरी लेने वाले, जमीन जायदाद का काम करने वाले, लोहे का काम जहां से आपका पैसा आता है, उन लोगों के लिए 2 से 3 दिन बहुत बिजी होंगे, बाकी पूरा हफ्ता स्लो रहेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना टारगेट पूरा कर बैठो। और अगर आप चाहते हो किसी मुल्क की सैर करो, तो आप लोगों को सोच समझ के उस मुल्क का ख्याल करते हुए कि आपको अभी कहां जाना है उसका ख्याल करके आज SOPs पे पूरा पूरा ध्यान देना। COVID-19 के बाद सब कुछ चेंज हुआ है, तो आपकी सेहत हमारे लिए बड़ी जरूरी है, तो अपनी सेहत का ख्याल रख लेना, ठीक है। स्कॉर्पियो आइडियल वीक है, आप लोगों के नए कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे हफ्ते में। कर्ज लेने के लिए भी बहुत अच्छा है और कर्ज देने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्क्रीन पे जो नजर आ रही है जरूर पढ़ लेना, या मोईद हो या हई हो, ये 2 तस्बीहां हैं मेरे अल्लाह के खूबसूरत इस्माए मुबारक। दाल मूंग अनकुक्ड हालत में आप दे सकते हो, मीट विद द बोन्स हड्डी वाला गोश्त दे सकते हो, या बेसन दे सकते हो कच्चा, या फिर कैश दे सकते हो। ये सारी चीजें अगर दोगे तो बड़ा फायदा हो जाएगा। कलर में येलो, सी ग्रीन एंड पिंक,
ये कलर है आपके इस हफ्ते के, जब आप पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए गुड लक, अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। नाउ टाइम फॉर द सजिटेरियस। सजिटेरियस वालों देखो, सितारों की पोजीशन अपनी जगह कायम दायम है, टीट तुसी भी बहुत हो टीट सितारे भी बहुत ने, मतलब आप अपनी जगह उसी डगर पे चल रहे हो कि भाई साहब हमारा काम नहीं हो रहा, हमें हमें यही करना है। लेकिन एक बात याद रखना कि आपका ये ढीठ पुना जो है ये रब को पसंद है, क्योंकि आप मुस्तकिल मिजाज हो, बाकी सितारों की तरह रोजाना अपने डगर से हटके कहीं और नहीं चल पड़ते हो, जिसकी वजह से इस हफ्ते सितारों की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि आपके रोमानवी फैसले यानी रोमांटिक मोड में आए, हाय ओए होए रोमांटिक मोड में भी नजर आ रहे हो। आपका जो लव साइन ब्रेक हुआ 13.3% पे आके रुका, वो भी 54% पे चला जाएगा। कुछ चन्ने ना चढ़ा देना प्लीज सजिटेरियस, इतनी मोहब्बत का करोगे क्या। लेकिन कोई करीबी आशना जिनसे मोहब्बत चल रही है उसका असली चेहरा आपको हकीकत में या ख्वाब में दिखाया जाएगा मेरे रब की तरफ से। डोंट ट्रस्ट, बहुत ज्यादा भरोसा करोगे तो मारे जाओगे, ठीक है। बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना है। शादी ब्याह के लिए जो भी फैसले करने हैं वो फौरन फौरन करने से बेहतर है कि आप अपने बुजुर्गों से ही, अपने प्यारों से ही, अपने करीबी रूफका जो दोस्त हैं जिनको आप मानते हो ये आपसे ज्यादा अकलमंद है या अच्छा फैसला आपको करके दे सकते हैं, उनसे मशवरा लेना बड़ा जरूरी है। छोटे और बड़े सफर के लिए आपको घूमने के लिए तैयार रहना पड़ेगा जो मुबारक होगा। जमीन जायदाद बेचना चाहो अच्छा टाइम है, लेकिन दूसरी जगह हिजरत करना चाहो अच्छा टाइम नहीं है। अरे हिजरत से मुराद के एक मकान से निकल के दूसरे मकान में जाना। इलाज मालजे के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। आपका फ्यूचर में वीजा इमिग्रेशन के जो काम है उसकी समझ लो शुरुआत हो चुकी है। सितारों में आने वाले दिनों में आपको बड़ा एक खुशखबरी मिल जाएगी और आपका एक बड़ा टास्क जो है वो पूरा हो जाएगा, आप रिलैक्स फील करोगे। एग्जाम देने वाले जितने बच्चे बच्चियां हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कामयाबियां टॉप 7 में आपका शुमार हो रहा है, तरक्की की राहें खुल रही हैं, जॉब स्विचिंग के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। हो सकता है कि ऑफिस में या जहां पे आप काम करते हैं वहां सियासत का निशाना बन जाओ, इसलिए थोड़ी एहतियात लाजिम है। आप मीडिया सोशल मीडिया पॉलिटिक्स में अगर काम कर रहे हो तो 54.7% शोहरत में इजाफा हो रहा है, आपकी इज्जत में इजाफा हो रहा है, पर दौलत में ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा, दौलत वहीं की वहीं रुकी हुई है। इसके लिए आपको नए प्लान बनाने पड़ेंगे, यानी प्लान बी होगा तो आप आगे जाओगे। वैसे एक बात याद रखना, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मर्द हो या जन हो फर्क नहीं पड़ता, इंटेलिजेंट हो, अब उसका फायदा उठाते हुए कुछ करीबी दोस्त या सहेलियां जो भी लोग होते हैं वो आपको थोड़ा सा डैमेज करेंगे। आपका एक मामूली सा स्कैंडल जो 22% है वो आपकी जिंदगी में दिखाई दे रहा, प्लीज मजीद मुश्किलात को मत बढ़ाओ। इतनी मुश्किल से निकले हो तो जो भी कुछ कर रहे हो सोच समझ के करना, मैसेज ईमेल कॉल के सामने वाला आपके लिए किसी बड़े चैलेंज को सामने लेकर आ सकता है, ठीक है। कुछ मंसूबे डिले हो जाएंगे जैसे कि मकान खरीदो फरोख्त वाला सिलसिला, या फिर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चीज की तलब के ये आ जाएगी, या फिर जिस जगह जाना है आपको जो भी इरादा किया हुआ इसमें डिले होने के चांसेस जरूर है, लेकिन बड़ी फायदे वाली चीज रहेगी। तो जब ये डिले होगा तो आपको पता चलेगा थोड़ा सा एंग्री एंग्री दिखाई दे रहे हो। हफ्ते वाले दिन 2:52 PM से शुरू होगा और नाइट 10:27 पे जाके ये टाइम रुकेगा स्टार्स का, तो इस दौरान कोई गुस्सा वुस्सा नहीं करना प्लीज। दरा धीमे, आप तो प्यार की इंतहा होते हो यार, आप लोगों को इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं, आप इस्तेमाल करते नहीं हो लोगों को, लेकिन अब आपकी डगर बदलती हुई दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं क्या करोगे, कोई पिछल पैरी तो नहीं बन जाओगे तुसी रात नू बहू अम्मी ऐसा ना कर लेना, लेकिन आपके वो जो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ताकतों में इजाफा किया जा रहा है रूहानियत की मंजिल पे, अगर आप जाना चाहते हो, थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहते हो, मराकबे वगैरह करना चाहते हो, तो गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए। आप दूसरों के आइडियल होते हो मान लो, लेकिन अब दूसरे आपको कॉपी करना शुरू कर देंगे, तो एहतियात करना। सजिटेरियस स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है, या मतीन हो या शहीद हो, ये दो तस्बीहां हैं आपके लिए। बाजरा राइस कुक्ड एंड अनकुक्ड, मिल्क सिर्फ अनकुक्ड पैकेट वाला या खुला जितना देना चाहो, और कैश दे सकते हो। कलर में व्हाइट ब्राउन एंड लाइट ब्लू, ये तीन कलर है सजिटेरियस द ग्रेटेस्ट। सजिटेरियस ग्रेट नहीं, ग्रेटेस्ट होते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। नाउ टाइम फॉर द जद्दी पुष्टि एंड द कैप्रिकॉन। हाय कैप्री, हाय कॉन। वैसे तो लोग कहते हैं ये कैप्रिकॉन जो होते हैं लोगों को कॉन बनाने के माहिर होते हैं, मैं कहता हूं ऐसा नहीं है यार, मतलब ये ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन चलो
आप लोग प्यार के रास्ते पे चलने वाले हो, तो हमारे जितने बहन भाई हैं उन लोगों के लिए मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं। रात गहरी है मगर चांद चमकता है अभी, मेरे माथे पे तेरा प्यार दमकता है अभी, मेरी सांसों में तेरा लम्स महकता है अभी, मेरे सीने में तेरा नाम धड़कता है अभी। जीस्त करने को मेरे पास बहुत कुछ है अभी, तेरी आवाज का जादू है अभी मेरे लिए, तेरे मुलबूस की खुशबू है अभी मेरे लिए, तेरी बाहें तेरा पहलू है अभी मेरे लिए, सबसे बढ़कर मेरी जान तू है अभी मेरे लिए। जीस्त करने को मेरे पास बहुत कुछ है अभी, आज की शब तो किसी तौर गुजर जाएगी, आज के बाद मगर रंग वफा क्या होगा। इश्क हैरान है कि सर शहरे सभा क्या होगा, मेरे कातिल तेरा अंदाज़े जफा क्या हो। आज की शब तो बहुत कुछ है मगर कल के लिए एक अंदेशाए बेनाम है और कुछ भी नहीं। देखना यह है कि कल तुझसे मुलाकात के बाद रंग उम्मीद खिलेगी या बिखर जाएगी, वक्त परवाज करेगा या ठहर जाएगा, जीत होगी या ख्याल बिखर जाएगा, ख्वाब का शहर रहेगा या उजड़ जाएगा। देखना, देखो ये उजड़ने वाले पहलू खत्म हुए जद्दी, सब खत्म हो गए, अब नई जिंदगी की शुरुआत का ये वाला मूवमेंट नवंबर के इस हफ्ते से शुरू हो रहा है, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो उम्मीदें छोड़ चुके थे, जो हार चुके थे कि उनके लिए इस साल अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में भी कुछ अच्छा नहीं होगा। यहां कुछ भी नहीं है, यहां अब नई चीजें, हेल्थ इंप्रूवमेंट की अगर बात करेंगे तो 39% आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, यानी बेहतरी की सिर्फ जा रही है। स्ट्रेस लेवल 39% था लास्ट वीक, अभी वो 18.8 पे आके रुका, यानी इस पूरे हफ्ते में बहुत कम रहेगा, रिलैक्स रहोगे, लेकिन आपको अपने आराम का ख्याल रखना है, फूड, स्लीप, वॉक, जो भी करते हो उसका ख्याल रखना है, एक्सपायरी मेडिसिन या जो भी चीजें। एक बात याद रखना कि आप फाइनेंस ग्रो कर रहा है आपका 44.4%, 444.4% अगर फाइनेंस बढ़ रहा है आपके नए आइडियाज से, आपके रुकी हुई रकमें आपको वापस मिलना शुरू हो जाएंगी, आपके पास जितने भी आइडियाज हैं उसको सेल करने के बाद आपको फायदा हो जाएगा। जॉब करते हो तो आप लोग चेंज करना चाहो तो आइडियल टाइम है, जॉब चेंज से भी फायदा होगा, बैंक से कर्जा लेना चाहो तो गुड टाइम है, बैंक से कर्जा, गाड़ी, जमीन, जायदाद का कोई भी केस करना चाहो तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। जितने भी लोग जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हैं, चाहे वो मीडिया में हैं, चाहे वो क्लॉथ, फूड एंड जो भी दुनिया में काम करते हो, उसमें आपका जाहिर है पिछले कई दिनों से 23 डेज का अगर पूरा तजिया निकालो तो टोटल 12.2% पे आके रुका हुआ था आमदन, फाइनेंस, इनकम, सारी चीजें, अब ये अचानक ही 38% पे जंप करेगा, तो 38 बहुत ज्यादा है, उस लिहाज से बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको 100 तक पहुंचने के लिए 6 महीनों का अरसा दरकार है। इन 6 महीनों में फिर से गेम चेंज होगी, नए लोग जो भी आपकी जिंदगी में शामिल हो रहे हैं उनसे इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को डैमेज करेंगे, आपकी इज्जत, शोहरत और माल के रखवाले नहीं होंगे, बल्कि इंटरनल बड़े खूबसूरत चेहरों वाले लोग जो होते हैं ना, वो डैमेज बड़ा आसानी से कर सकते हैं जिनके लफ्जों पे भरोसा करते हो। दुनिया में हमेशा नुकसानात किनको होते हैं, जो ट्रस्ट करते हैं। तो जब आपने ट्रस्ट कर लिया किसी ऐसे बंदे पे कि जो यकीन की इंतहा बन के आए, जो आपके दर्द वाले पोर्शन में आपका संगी बनने की कोशिश करे, वो संगीन नतीजे भी देकर जाता है। किसी भी महफिल में शिरकत करने के लिए कोशिश करना, कम से कम जाओ, लेकिन अगर करनी हो तो ये वजायफ या सदकात वगैरह जो भी होते हैं जरूर पढ़ लेना। कोई नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं, नई जिम्मेदारियां लोडेड नजर आ रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दे देना, अपनी जायदाद जमीन तकसीम वाला जो सिलसिला है इसमें थोड़ा सा डिले नजर आ रहा है, छोटे बड़े सफर से एहतियात, मतलब इंटरनेशनली कहीं भी जा रहे हो, किसी शहर को जा रहे हो, उसे एहतियात करना है आपने। और बाकी जो भी फाइनेंस के आगे पीछे करने का ताल्लुक है कि ये पैसा उसको देना है, वो आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि 4-5 दिन जो वीक का स्टार्ट है उसमें ना हो। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, आप लोग सब्जेक्ट चेंज करना चाहो, कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहो, आइडियल टाइम है, टॉप 3 लोगों में आपका शुमार हो रहा है, स्कॉलरशिप भी मिल सकती है आपको।
और जिन लोगों की शादियां नहीं हुई फैमिली आउट ऑफ फैमिली से, आपको बहुत ही जबरदस्त सिलसिला मिलने वाला है जो बहुत दूर तक जाएगा। थैंक यू वेरी मच आप लोगों की इस सुस्त रफ्तार से चलने वाले जितने भी हमारे बहन भाई थे उन लोगों के लिए बड़ी आसानियां हो गई हैं और कामयाबियां आपका मुकद्दर बनने वाले हैं। चल लो फिर खुश हो जाओ कैप्रिकॉन वालों, आप लोगों की जिंदगी में अगर इतना ही कुछ आया है तो ये पढ़ो बहुत कुछ आएगा। या वकील हो या मुजीब हो, ये दो तस्वीरें हैं, तीन लोगों को खाना खिला देना सदके में दे सकते हो। 12 एग किसी को भी तकसीम कर दो सदके में, सूजी या उसका बना हुआ हलवा दे सकते हो या कैश दे सकते हो। कलर में पर्पल, रेड या इंडिगो कलर, ये तीनों कलर्स में से कुछ भी पहनोगे तो फायदा होगा। कैप्रिकॉन बेस्ट ऑफ लक, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए एंड वेलकम कहते हैं द ब्यूटीफुल एक्वेरियस वालों को। ओ वाओ आप लोग तो बहुत अच्छे हो। अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे तो होते हैं यार मान लो, लेकिन इनकी अच्छाई का सिला इनको वैसा नहीं मिल रहा होता है। एक्वेरियस वाले जितने भी लोग आते हैं, एक तो बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना प्यार दिया है, उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो अभी सुपर चैट कर रहे हैं। और रात की रानी, आपने सुपर चैट किया £20 और आपने लिखा रात की रानी सलाम सर, आई होप यू वेल, आई एम होपिंग टू सेट अप विद योरसेल्फ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ वीक बॉटम। ओके ओके ठीक है, आप प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए, जरूर आपसे रब्ता हो जाएगा। एंड सिमी द ब्यूटीफुल सिमी भी यहाँ मौजूद हैं, सबको मैसेज कर रही हैं और सिमी का शो अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। सिमी का नहीं मतलब मिस सिमी का, इनका शो मतलब मैं भी होंगे साथ में, आप देखो तो सही कैसे जलवे करते हैं और बहुत ही मजेदार लाइट मूड का एक शो होता है जिसमें सिर्फ रिलैक्स होते हैं, हंसते हंसाते हैं, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं होती, कोई सवाल जवाब इधर उधर के नहीं होते, लेकिन बहुत सारी चीजों पर हम डिस्कस करते हैं। तो प्लीज आप लोग आ सकते हो। तो इक्वेरियस वालों जितने भी हैं, देखो यार 2019 में 3 महीने आपने पूरे खुशहाली के देखे, यानी पूरे 12 महीनों में सिर्फ 3 महीने, और वो भी अलग अलग दिनों को जमा कर रहे हैं। जनवरी था, फिर अप्रैल था, फिर जून था, फिर इस तरह कुछ कुछ दिन 3 महीने, यानी 90 डेज ही सिर्फ रिलैक्स रहे हो। 2020 में आपके टोटल डेज जो काउंट किए जाते हैं जिनमें आप रिलैक्स रहे हो वो 34 डेज, 34 दिन, 34 दिन बहुत कम होते हैं। अब ये वाला जो वीक है ये अब कंटिन्यू चलता रहेगा और ये अप्रैल की 12 तारीख तक एक ही जगह पे, एक स्ट्रीम पे चलता रहेगा। इसमें अपग्रेड है, कहीं कहीं जो थोड़े बहुत अलर्ट हैं वो हम आपको वीकली बताते रहेंगे। ये समझो कि अब आपके माली मामलात, रिलेशनशिप और हेल्थ ये सब इंप्रूव हो रही है। माली मामलात की बात करें तो आप किसी के साथ भी बिजनेस पार्टनर कर रहे हो या हो, करना चाह रहे हो, इसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छे नतीजे मिलेंगे। स्टॉक मार्केट में हो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, जमीन जायदाद या फूड का कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो इसमें एक नई लहर आएगी जो आपके फाइनेंस को इंप्रूव भी करेगी, बेहतर भी करेगी। बैंक वैंक से कर्ज वर्जा लेना चाहो तो वो भी आपके लिए बहुत आइडियल टाइम है। आप पे कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां दिखाई दे रही हैं, पॉलिटिक्स या मीडिया, सोशल मीडिया वालों के नए कॉन्ट्रैक्ट, नई जिम्मेदारियां आपके हवाले से भी होंगी। स्ट्रेस लेवल जो है आपका 34% पे पहुंचा हुआ था, जो कम से कम अब 23.3 पे पहुंचेगा, 23.3% पे आके खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा है यार, बहुत बेस्ट है। आप लोगों का एक स्ट्रेस जो दिखाई दे रहा है किसी एक काम को या रिलेशन को लेके, उसके हल होने का टाइम शुरू हो चुका है। लव टाइमिंग बहुत बेहतर हो रही है, 59% पे पहुंच चुकी है। 59% का मतलब कि आप लोगों के रिलेशन जो टूटने वाले थे वो भी जुड़ना शुरू हो जाएंगे। एक मौका अगर आप दोगे, आप लोगों की शादियां अगर नहीं हुई तो इसमें दो आउट ऑफ फैमिली के जो प्रपोजल है ये भी आपको बहुत दूर तक दिखाई दे रहे हैं, यानी लॉन्ग रिलेशनशिप के हवाले से दिखाई दे रही है। एनर्जी थोड़ी कम है इस वीक में क्योंकि बहुत ज्यादा लोडेड हो, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तजर्बेकार हो, लेकिन फिर भी आप दूसरों के ऊपर भरोसा मत करना प्लीज। दूसरे आपसे इंस्पिरेशन जरूर लेते हैं लेकिन आपको अपनी एनर्जी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। किसी को इस तरह से आप मौका ना दो कि आपको वो डैमेज करे, क्योंकि देखो जादू टोना भी इस हफ्ते का हाईलाइट है। नजरबद भी हो रही है, किसी भी महफिल में जा रहे हो वहां पे आपको जो मिलके अंदर ही अंदर काटने वालों की तादाद है वो भी पॉपअप हो रही है, तो बहुत एहतियात करना पड़ेगा। जो सामने और छुपे हुए दुश्मन है वो आपसे कोई ना कोई फायदा उठाना चाह रहे हैं। आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आप लोगों को इलाज मालजे के लिए ये हफ्ता बहुत बेस्ट अल्लाह की तरफ से मिल रहा है। वो बहनें जो कंसीव नहीं कर चुकी उनके लिए 5 दिन
मंडे से लेकर फ्राइडे तक सारे के सारे दिन कंसीव करने के लिए बहुत बेस्ट हैं। अल्लाह ताला आपको औलादे नरीना था करे, क्योंकि यहाँ पे जिरवास जो बड़ा सितारा है वो पॉपअप पोजिशन पे है 89% तक। बहुत अच्छा हो जाएगा आने वाले दिनों में, आपकी बहुत सारी रुकावटें कम हो रही हैं। आपके महबूब के साथ हो सकता है थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाए किसी बात पे, आर्गो हो, बहस मुबाइसा हो, बहस मुबाइसा मत करना, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा सीजर कट नजर आ रहा है जिसको समझाल बोलते हैं। ये आपके रिलेशनशिप को हो सकता है कुछ दिनों के लिए डैमेज कर दे, और वो कुछ दिन उदासी के साथ साथ आप अपना वो नजला किसी और पे गिरा रहे होगे, यानी नुकसान दोनों सूरतों में, महबूब का भी और काम काज का भी। पढ़ाई वढ़ाई में स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस आप ज्यादा नुमाया हो चुके हैं। वीजा इमिग्रेशन आपकी आसान दिखाई दे रही है, लेकिन डिले है 41 डेज, 41 दिन तक डिले नजर आ रहा है। तो डिले जब होगा तो फिर क्या कर सकते हो, कोई कोई हल नहीं है इसका। कोई मुकदमा जो आप लोगों के ऊपर है उसका फायदा आपको होने वाला है मेरे अजीजों, आप लोगों के लिए आसानियां हो जाएंगी, कानूनी उलझनें खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। जितने भी क्वेरीज वाले हैं उन लोगों को स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है ये जरूर पढ़ना, या कवि हो या वदूद हो। गोश्त दे सकते हो, पुराने कपड़े दे सकते हो, दाल मसूर दे सकते हो, या पैसे दे सकते हो, कैश, जिस मुल्क में भी रहते हो अपने हिसाब से करेंसी दे देना। येलो कलर एंड ऑरेंज कलर एंड ग्रीन कलर, ये कलर भी क्वेरीज वाले अगर पहनेंगे इस हफ्ते तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेरीज वालों बेस्ट ऑफ लक एंड वेलकम कहते हैं द लास्ट बट बहुत प्यारा सितारा बेचारे बेजबान, हाय हाय। अब रो ना पढ़ना, वो होता है ना बच्चे को मां मार रही हो तो वो उसको पता है कोई बचाने वाला तो है नहीं, तो बस ऐसे ऐसे शक्लें बना के रोएगा नहीं, बस थोड़ा सा रो लिया। लेकिन अगर कोई आके कहेगा है मेरे बच्चे किसने मारा है, तो धारे मार मार के रोएगा कि चलो कोई तो है मेरा हमदर्द। तो ये ना हो, मैं एरियस वालों को कह रहा है बेचारे बेजबान, वो रोना शुरू कर स्टार सुन लो, रोना पिटना बाद पा लेना, थोड़े वैसे रोने पिटने बेचारे स्टार में इतने यार खत्म ही नहीं हो रहे हैं। बहुत 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 मुश्किल है, मतलब कभी कभी तो दुख होता है यार, मतलब कि क्यों ऐसा क्यों। मैंने इस तौर से चाहा तुझे अक्सर जाना, जैसे महताब को बेअंत समंदर चाहे, जैसे सूरज की किरण सीप के दिल में उतरे, जैसे खुशबू का हवा रंग से हट के चाहे, जैसे पत्थर के कले जैसे किरण फूटती है, जैसे गुंचे खिले मौसम से हिना मांगते हैं, जैसे ख्वाबों में ख्यालों की कमा टूटती है, जैसे बारिश की दुआ आबलाबा मांगते हैं, मेरे हर ख्वाब मेरे सच की गवाही देगा। वुस्सते दीद ने तुझसे तेरी ख्वाहिश की है, मेरी सोचों में कभी देख सरापा अपना, मैं जो दुनिया से अलग तेरी परस्तिश की है। ख्वाहिशे दीद का मौसम कभी हल्का जो हुआ, नोच डाली है जमानों की निकाबे मैंने, तेरी पलकों पे उतरती हुई सुबहों के लिए तोड़ डाली है सितारों के तनाए मैं। मैंने चाहा कि तेरे हुस्न की गुलनार फिजा मेरी गजलों की कतारों से दहकती जाए, मैंने चाहा कि मेरे फन के गुलिस्तां की बहार तेरी आंखों के गुलाबों से महकती जाए, तय तो ये था कि सजाता रहे लफ्जों की कवाल मेरी ख्वाहिशों मेरी खामोश ख्यालों में तकल्लुम तेरा, रक्स करता रहे फरता रहे खुशबू का खुवार मेरी ख्वाहिश के जजीरों में तबस्सुम तेरा, तुम अगर अजनबी माहौल की परवादा किरण मेरी बुझती हुई रातों को सहर कर ना सकी, तेरी सांसों में मसीह आई थी लेकिन तू भी चारा गम गमे दीदा तर कर न सकी, तुझको एहसास ही कब है कि किसी दर्द का दाग आंख से दिल में उतर जाए तो क्या होता है, तू तो सीमाब तबीयत है तुझे क्या मालूम, मौसम हिजर ठहर जाए तो क्या होता है, तूने इस मोर पे तोड़ा है ताल्लुक के जहां देख सकता नहीं कोई भी पलट के जाना, अभी आलम है कि आंखें जो खुलेंगी अपनी याद आएगी तेरी दीद का मंजर जाना, मुझसे मांगेगा तेरे अहदे मोहब्बत का हिसाब, तेरे हिजरा का दहकता हुआ मैशर जाना, यूं मेरे दिल के बराबर तेरा गम आया है जैसे शीशे के मुकाबिल कोई पत्थर जाना। देखो आप लोग अब उस जगह पे आ चुके हो पाइसेस जहां पे आपका मन है कांच जैसा और सामने वालों के हाथों में है संग, वो तोड़ते हुए लिहाज नहीं करेंगे और आप उनको रोकते हुए क्यों लिहाज करोगे,
फाइनल डिसीजन लेना है अब आपने। 2020 का नवंबर का यह हफ्ता आपकी ख्वाहिशों के तकमील का पहला हफ्ता माना जा रहा है, जिसमें कोई कमी दिखाई नहीं दे रही सिवाय नजरबद के, मतलब नजरबद लग सकती है वो भी वेडनेसडे को और सैटरडे को 3 बजे से 5 बजे तक, 2 घंटे हैं पीएम। बाकी इस पूरे हफ्ते में हेल्थ इंप्रूवमेंट है आपकी 62%, बहुत अच्छा है, यानी दर्द और रंज सारे खत्म हो रहे हैं। जिनकी शादियां नहीं हुई उनके पास एक प्रपोजल है जिसमें फाइनलाइज पोजीशन पर पहुंचने के लिए अल्लाह ताला आपको एक मौका और दे रहा है, और जिनकी शादियां हो चुकी हैं, रिलेशनशिप हमारे उन बहन भाइयों के खराब चल रहे हैं, उनको इंप्रूव करने के लिए आपको दोबारा से मौका दिया जाएगा। आप बात करो, गुफ्तगू करो, डायलॉग्स के जरिए बिल्कुल वो कमी पूरी हो जाएगी। कुछ करीबी लोग आपको अपना चेहरा दिखा जाएंगे जिसका नुकसान आपको उस वक्त नहीं होगा, लेकिन बाद में रंजीदा रहोगे आप, क्योंकि वो बड़े करीबी रुफका थे, बहुत करीबी रिश्ते थे जिन पे आप इस तरह का भरोसा नहीं कर रहे थे। पैसा अगर किसी ने देना है तो उससे तकाजा कर लो, क्योंकि आगे आपको ज्यादा रुपए पैसे की तलब होने वाली है। जॉब स्विच करना चाहो तो आइडियल टाइम है, फ्यूचर की प्लानिंग के लिए आपको जाहिर है जॉब स्विच करनी है, पे भी बढ़ जाएगी, और अगर जहां पे आप रह रहे हो, काम कर रहे हो, चाहते हो यहीं पे रहे, काफी अरसे से काम कर रहे हैं, तो फिर आप तकाजा कर सकते हो अपग्रेड वर्जन का, डायरेक्ट अपने बॉसेस से हो सकता है, लोडेड हो जाओ, काम ज्यादा हो जाए। नाकामियों से बहुत कुछ सीखा है आपने, लेकिन अब नाकामी के चांसेस कम है। वीजा, इमिग्रेशन, दूसरे मुल्कों में हिजरत और सफर, ये इस हफ्ते का हाईलाइट है। छोटे बड़े सफर या तकरीब में शमूलियत के लिए तैयार रहना बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन वही नजर वाला नजरबद का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अफवाहों पे कान मत धरना, हो सकता है कोई इधर उधर की उल्टी सीधी बात करके आपको आपके ट्रैक से हटाने की कोशिश करे, तो प्लीज परेशान होने की जरूरत नहीं है। नक्कालों से होशियार, 4 की जगह 1 अगरबत्ती जलाना वही काफी होगी आपके लिए। छोटी मोटी मायूसियां जो इर्द गिर्द आपके थी वो खत्म होने का वक्त शुरू हो चुका है। आप लोग अगर स्टूडेंट्स हो तो स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस 75% बढ़ चुके हैं। प्लीज डू इट, जितना भी कर सकते हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या सब्जेक्ट चेंज करना, स्विच करना, ये भी इस हफ्ते में बहुत बेहतर रहेगा। होली श्राइन्स, मुकद्दस मकामात की जियारत के लिए जाने के लिए डिले 79 डेज मजीद दिखाई दे रहा है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी और बहुत सारी चीजों के लिए बड़ा जरूरी है। बैंक से अगर पैसा वैसा लेना चाह रहे हो तो ले लो, बहुत सारी कोशिशें आपकी रायगा गई थी अब तक, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस हफ्ते नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर नजर आ रही हैं, तो प्लीज नई जिम्मेदारियों को देखने की कोशिश करो। महबूब के साथ ताल्लुकात 13.3% बेहतर हो जाएंगे। मराकबे करने वाले, वजायफ करने वाले लोगों के लिए 3.1% 3.1% और बेहतरी आएगी। आपके दिल का सुकून मिलेगा इस हफ्ते, ज्यादा नींद आपको बहुत ज्यादा आएगी इस हफ्ते। आपके कंधों पे और आपको आधे सिर का दर्द फील होगा, कंधों पे बोझ रहेगा, आधे सिर का दर्द होगा, और हो सकता है कि आपकी बॉडी पे इचिंग, यानी जैसे खारिश होती है, या फिर खुद ब खुद जब सो के उठो तो कोई निशान पड़े हुए मिले। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फाइनल पोर्शन है उस वुडो का जो ऑलरेडी जिन लोगों के ऊपर जादू अदू हो चुका है, ये फाइनल, क्योंकि मून डेट के हिसाब से ये चल रहा होता है। तो अभी उरूज है चांद का, इसमें कर्ट्स लगते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ बहकाने के लिए, खौफजदा करके आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो सफर वसीला जफर रहने वाला है। नए लोग आपकी जिंदगी में दस्तक दे रहे हैं, जिनसे आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी इज्जत और शोहरत में इजाफा हो रहा है, यार ये मजेदार चीज है, यानी आपकी जो ताकत है वो आपकी जबान है, आप अपनी जबान से ही रोटी कमाते हो, और आप लोग कहते हैं आप ब्रेनी होते हो, ब्रेन तो अभी तक आपने यूज ही नहीं किया ना। जितने भी पाइसेस वाले हैं उनकी एक्टिव जो ब्रेन की क्वालिटी है वो जरा डिले डिले है, मतलब आप 25% जी रहे हो अपने दिमाग को लेकर। सोचो 25% में इतनी तबाही मचाई हुई है, तो अगर आप 100% पे चले जाओ तो आपको तो बीट करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। परेशान नहीं हो, आपके लिए स्क्रीन पे कुछ चीजें लिखी हैं जिसका मतलब है कि ये पढ़ना बड़ा जरूरी है। या करीमो और या हसीबो, ये दोनों तस्बीहां हैं अल्लाह ताला की, इसमें मुबारक हैं। सदके में आप आटा दे सकते हो, ऑयल एंड घी दे सकते हो, यानी कुकिंग का जो होता है, दो लोगों को खाना खिला देना, या फिर कैश दे देना, ये इन चारों में से कोई एक काम कर लेना। रेड कलर आपके लिए बड़ा बेहतर है, व्हाइट एंड ग्रे कलर भी आपके लिए बेहतर है, और अगर ये पहन लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारे पाइसेस वाले आप लोगों के लिए ये जितनी भी चीजें थी हम लोगों ने बता दिया है, और आप लोगों को अब तक जितनी भी रिपोर्ट मिली है, जितने भी स्टार्स को आपने देखा है,
ये आप लोगों का हक होता है जो हम आपको रोज बताते हैं। मैं बार बार एक ही बात कर रहा होता हूं कि प्लीज यहां पे आके कोई उल्टी सीधी चीज मत लिखो, जिनको नहीं पसंद वो यहां पे आके अपनी औकात या अपने खानदान का पता देने की कोशिश ना करें। हमारे सारे जियाले आपको टाइम आउट करके साइबर क्राइम में रिपोर्ट भी कर रहे हैं, और इसलिए आप लोगों ने 13 के तक ऑलमोस्ट पहुंचा दिए, लेकिन उसके लिए जाहिर है तालियां तो बजा ही सकते हैं बॉस, ये तालियां पहले नहीं बजी थी। थैंक यू रेहान अहमद, आपने 5 यूरो सदका भेजा है लिब्रा के नेक्स्ट वीक के लिए, थैंक यू वेरी मच। और बीच में भी जिस जिसने सदका भेजा उनके लिए बहुत शुक्रिया। इफ समवन हैज रूहानी कैफियत प्लीज गिव मी अमल, इफ देयर इज वन ऑफ परमिशन टू टेल देम लव बोथ योर प्रोग्राम्स। थैंक यू सहरा रहमान, आपने ये लिखा है। देखो पहली चीज तो ये है कि रूहानियत के लिए मेरी एक किताब है, पहले तो आपको उसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। इसलिए पढ़ना जरूरी नहीं है कि वो मेरी किताब है, वो मैंने उन लोगों के लिए लिखी है ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है ना, अक्ल है महवे तमाशा। ये किताब ऐसी है कि जो बेस समझना चाहते हैं कि तरीकत है क्या, हमें रूहानियत की तरफ जाना कैसे है, उनको ये किताब पढ़नी है। जिस जिसने भी पढ़ी है उर्दू समझ आती है, बड़ी डीपली आपको ये किताब समझाएगी कि कैसे कब और क्यों। इसका पार्ट टू भी आएगा, लेकिन अगर आपको ये घर बैठे किताब चाहिए तो स्क्रीन पे एक नंबर नजर आ रहा होगा, इसी किताब का बैक टाइटल दे रहा हूं, 600 रुपए इसका हदिया है। दूसरे मुल्कों में भी ये पहुंच जाएगी। 0304 का एक नंबर है, मेरा नहीं है, ये पब्लिशर का नंबर है रुमाल पब्लिकेशन का। इनको आप मैसेज कर सकते हो, अपने वालिद भाई या किसी का भी टेलीफोन नंबर घर का एड्रेस और वो दे सकते हो, बोलो ये किताब हमें दे दें। मेरी बाकी किताबें भी चाहिए, राजा हैदर की रूहानी डायरी, उसमें वज़ाइफ हैं, ब्यूटी टिप्स हैं, शायरी है, कोई भी किताबें चाहिए तो ये दो किताबें भी आप इकट्ठी भी ले सकते हो, रूहानी डायरी जिसमें वज़ाइफ हैं, और ये पढ़ोगे तो ये इश्क और तसव्वुफ की गुत्थियां सुलझाती हुई खूबसूरत सी किताब आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, इजाजत लेनी है, आपको रूहानी मुर्शिद को कैसे चुनना है, और आप दरगाहों पे जाके वो चिलमे भर के जूते सही करके वो वाली पोजीशन से अब निकल आओ, क्योंकि ये 2020 है। इसमें आपको घर बैठे अगर मराकबे करने हैं, रब के करीब होना है, तो वो जो एक रियल काम होता था कभी दरगाहों में, वो खवातीन के लिए नहीं होता था, खवातीन के लिए अलग होता था। ऐसा नहीं कि खवातीन भी जाके मुर्शिदों के पांव धबा रहे होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा हमने देखा था। तो उन जो स्पिरिचुअल स्कैम वाले लोग हैं उनसे आपको निजात दिलाने के लिए एक छोटी सी काविश है, उसको जरूर आप पढ़ो, अच्छा लगेगा आपको। हमारा ये शो रोजाना होता है, आप लोग शामिल होते रहो, बहुत सारी इंटरटेनमेंट भी होती है, दुआ हम पहले ही करवा चुके हैं, हमारे बहुत सारा प्यार आप सब लोगों के लिए। अभी हम इजाजत चाहेंगे क्योंकि थोड़ी देर के बाद आप लोगों के दिलों पे दस्तक देने के लिए दोबारा से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए पामाने खुदा।